हाय एवरीवन, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपना नया मॉक टेस्ट पेपर निकाला है और वो मॉक टेस्ट पेपर अगर हम देखते हैं आपको दिखेगा उसका पैटर्न जो है ना वो अलग है जो आज तक चल रहा था। क्वेश्चन उठता है अक्टूबर 21 एग्जाम्स जो ओरिजिनली जुलाई 21 में होने चाहिए थे उसमें क्या रेलिवेंट है, क्या एप्लीकेबल है। एज ऑफ नाउ हमें यही लग रहा है जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर दिया है यही एप्लीकेबल होगा, पर अगर इस पे और कोई क्लैरिटी आता है और कोई छोटा मोटा भी चेंजेस आएगा, जो जैसा चेंज आएगा वो वैसा का वैसा आपको मैं अपडेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना। तो एज ऑफ नाउ हम यही मानते हैं कि ये जो अपना मॉक टेस्ट पेपर में जिस हिसाब का इंस्टीट्यूट ने ये मॉडल मॉक टेस्ट पेपर निकाला है इसका ऑब्जेक्टिव यही था आपको नया पेपर पैटर्न बताने के लिए। तो हम ये नए पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज हुआ है, किस तरीके से नया पैटर्न है और टाइम टू टाइम हम ये पैटर्न से भी अकस्टम हो जाएंगे, कोई टेंशन का बात नहीं होगा। तो देखो, पुराना पेपर पैटर्न जो था वो आपको ऑलरेडी पता था, ओएम किस तरीके से चलता था, एसएम किस तरीके से चलता था। मैं आपको नए पेपर पैटर्न के बारे में अपडेट दे देता हूं किस तरीके से पहले होगा, फिर हम ये मॉक टेस्ट को सॉल्व भी कर देंगे लगे हाथ। तो देखो, ये है अपने डिस्कस कर रहे हैं पेपर 9 ओएम एसएम, मैं वो पढ़ाता हूं तो मैं वो डिस्कस कर सकता हूं। तो टाइम अलाउड और मार्क्स में कोई चेंज नहीं है, टाइम अलाउड स्टिल 3 आवर्स, मार्क्स स्टिल 100, कोई चेंज नहीं है। ये जो पूरा पेपर पैटर्न है ये कैसे डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आप बोलोगे यार ओएमएसएम तो दो ही सेक्शंस है, यहां पे चार सेक्शन कहां आ गया, अपडेट। ओएमएसएम अब अलग अलग नहीं रहा, अब ओएमएसएम का जो 70-30 ऐसे अलग अलग डिस्टिंक्शन चलता था इस पेपर पैटर्न में वो नहीं है, ओएमएसएम को उन्होंने मिक्स कर दिया है। तो फिर ये सेक्शंस क्यों बनाया है, ये सेक्शंस है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए, दैट इज इट, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, चार सेक्शंस बोला ए बी सी डी। देखो सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में क्या है, एमसीक्यूज, जो अपने एमसीक्यूज होते थे, ओएम में होता था 10 मार्क का एमसीक्यू होता था, एसएम में 6 मार्क का होता था, 16 मार्क के जो उस समय एमसीक्यूज वैसे होते थे अलग अलग, यहां पे कंबाइन करके उन्होंने 20 मार्क्स के एमसीक्यू दे दिया, दैट इज इट, करेक्ट। तो देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, माने कंपल्सरी। ये जो सेक्शन है ये अपना है कंपल्सरी, पहले भी एमसीक्यूज कंपल्सरी थे, नो चेंज, करेक्ट। तो यहां पे आपको अगेन चार ऑप्शन है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, ये आप जानते हो, यू आर अकस्टम टू दिस, हम अभी करेंगे क्या है। तो इस तरह का 20 एमसीक्यूज चलेगा, अगेन ये ओएम एंड एसएम दोनों का मिक्स है, आपको बताएगा नहीं कौन सा क्वेश्चन ओएम से कौन सा एसएम से, बट नेचुरल बात है वो हम पढ़ पढ़ के समझ लेंगे। और क्यों जानना है ओएम कितना है, एसएम कितना है, अपने को तो पेपर सॉल्व करने से मतलब है ना, वो अपने कर लेंगे, राइट। फिर देखो, फिर एक आया नेक्स्ट सेक्शन, अपने आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए वॉज 20 मार्क्स, 20 एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क इच, राइट। देखो सेक्शन ए वॉज 20 एमसीक्यूज इंटू 1 मार्क इच, माने 20 मार्क्स। उसके बाद जो अपने आते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी एक बहुत ही यूनिक टाइप का सेक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्या है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अपने आंसर करेंगे कंपल्सरी अगेन। उसके बाद ये इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं, एक एक मार्क के ईच, 1 मार्क ईच, 20 मार्क्स। तो ए 20 मार्क्स, बी 20 मार्क्स, करेक्ट है बात। तो सेक्शन बी इज ऑल्सो कंपल्सरी, राइट। अब देखो, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या ये पहले आता था, नहीं, ये पहले जो आता था ना उसमें माइन्यूट था, चेंज कर दिया है। पहले अपने पास आता था एक तो मैच द फॉलोइंग होता था और एक ट्रू एंड फॉल्स होता था, ट्रू एंड फॉल्स इसमें फिर भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप देखो ऐसे, इज इट ट्रू, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा, और भी होंगे, डू यू अग्री, इज इट ट्रू, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इज इट करेक्ट, इज दिस एन एडवांटेज फॉर अ कंपनी, इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए। मतलब बेसिकली इसमें ट्रू और फॉल्स भी है, देखो इज इट ट्रू, करेक्ट, इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, इज इट ट्रू, तो इस टाइप के भी ट्रू और फॉल्स को तो इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, मैच द फॉलोइंग इन्होंने हटा दिया है और उसके जगह पे क्या आ गया है, शॉर्ट आंसर, एकदम वन लाइनर का आपको आंसर लिखना है, इनफैक्ट अब लिखना है नहीं बोल सकता, आपको टाइप करना है। आपको यहां पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा
सपोज करो पहला क्वेश्चन व्हाट आर द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और उसके नीचे स्पेस छोड़ दिया जाएगा। ये जो ब्लैक में है ना ब्लैक ब्लैक पोर्शन है जो आपको एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने रहेगा। जो ब्लू में है ब्लू इज जो आप एज अ स्टूडेंट टाइप करोगे करेक्ट। तो जो ब्लू है ना वो आपका आंसर होगा। जो ब्लैक में जो जो भी ब्लैक फॉन्ट में लिखा है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा राइट। तो आपको वो टाइप किया और आंसर हियर देके ब्लैंक छोड़ देंगे। आपको क्या करना है बस टाइप करना है एकदम कहानी नहीं करेंगे एकदम भी कहानी नहीं एकदम शॉर्ट आंसर वेरी 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 ऑब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना है बहुत ही शॉर्ट और एकदम टू द पॉइंट वन लाइनर। यहां पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं। अगर आप सुंदर से एकदम सजा सजा के लिखोगे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है उसका वन वन मार्क आपको सिक्योर करना है। और क्यों मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूं कि एकदम ऑब्जेक्टिव 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 करना है आपको अभी बताऊंगा। तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट आर द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी स्ट्रेट आंसर कर दो क्या क्या है। ये नहीं द इंडेक्सेस ऑफ प्रोडक्टिविटी या इंडेक्सेस ऑफ प्रोडक्टिविटी आर दिस 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 ऐसा नहीं। डायरेक्ट इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है वो लिख दो। व्हाट इज सेल्स फोरकास्ट फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर क्या है सेल्स फोरकास्ट। एस्टिमेट करता है ना सेल्स अमाउंट को फॉर अ फ्यूचर पीरियड बस वो उतना ही लिखना है जितना मैंने आपको बोला। एस्टिमेटिंग द सेल्स अमाउंट या सेल्स पर यूनिट फॉर अ फ्यूचर पीरियड यूनिट सेल्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड दैट इज इट। ये कुछ नहीं लेगा सेल्स फोरकास्ट फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर इज ये सब नहीं टाइप करना है बस एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्लियर। तो इस टाइप के यहां पे क्वेश्चन चलेंगे। तो अगेन ए और बी जो चला वो एक टाइप का था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ए और बी। तो देखो ऑल इन ऑल पेपर पैटर्न दो टाइप का रहेगा एक अपने पास है ऑब्जेक्टिव दूसरा अपने पास है सब्जेक्टिव बोल दो या डिस्क्रिप्टिव बोल दो पहले भी ऐसा ही होता था राइट। तो ऑब्जेक्टिव में अभी क्या आ गया एक सेक्शन ए आया है जिसमें अपने पास 20 एमसीक्यूज इंटू वन मार्क इच विच इज 20 मार्क्स एमसीक्यूज और एक सेक्शन बी आया है जिसमें अगेन 20 क्वेश्चन इंटू वन मार्क इच 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है इसमें नहीं वन लाइनर ऑब्जेक्टिव राइट वन वर्ड वन लाइनर इस टाइप के क्वेश्चन है। डन ए और बी मैंने आपको बताया किस टाइप के क्वेश्चन है। फिर आता है अपना सेक्शन सी ये सबसे बड़ा सेक्शन है जो मेन सेक्शन होता है पेपर का जिसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे ये वो है। ये टोटल में 40 मार्क्स किस तरह से 40 मार्क्स देखो ना 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा उसमें पार्ट्स होंगे नेचुरल बात है और चार क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्या इसमें भी कंपल्सरी है नहीं यहां आपको ऑप्शन दे दिया थोड़ा तो रहम इंस्टीट्यूट भी खाई गई यहां आपको ऑप्शन दे दिया और ये है ऑप्शन बेस्ड। यहां पे ऑप्शन बेस्ड है कितना 4 आपको करना है 40 मार्क्स आउट ऑफ कितना 6 मतलब आप दो क्वेश्चन फुल छोड़ सकते हो स्ट्रेट सिंपल। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन करेक्ट क्लियर है। अगेन अब देखो यहां पे क्या चेंज किया है उन्होंने यहां पे क्या चेंज किया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम पर आर्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये मैंने आपको बोला भी था जब हम क्लासेस कर रहे थे आपको मालूम है मोस्ट टेस्टेड लिखवाया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन मॉक टेस्ट का वही। अब हम क्या करते थे आज तक जो हम करते थे वो क्या करते थे पेपर में लिखते थे स्टेप बाय स्टेप पेपर में लिखते थे प्रॉपरली करेक्ट। अब वो जो अपने पेपर में लिखते थे ना उसी को वो लोग ने यहां पे आपको फॉर्मेट बना के दे दिया तो आपको करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो है ना वो आपको नॉर्मली जो जैसे आज तक आंसर करते थे पेपर में वैसे ही आंसर करना है। फर्क सिर्फ इतना है अब जो आपके सामने पेपर रहेगा पेपर जो भी रहेगा वो एज अ वर्किंग नोट वर्किंग पेपर ही काम करेगा वो रफ शीट होगा उसमें आप सिर्फ कुछ लिखने विखने का काम कर सकते हो एकदम जस्ट नंबर और शॉर्ट लाइंस में लिखना है कुछ भी आपको सजा के नहीं लिखना। तो जो लिखने का पूरा फॉर्मेट वगैरह बनाने का मेहनत होता था ना वो खत्म कर दिया इंस्टीट्यूट ने। यहां पे आपको फॉर्मेट ऑलरेडी दे दिया है बस आपको उसके हिसाब से आपको चलना है। तो इससे एक फायदा भी होता है ये कि आपको फॉर्मेट याद नहीं रखना पड़ेगा। आप यहां पे फॉर्मेट है आपके पास आप देखते ही देखते बस उस फॉर्मेट को फॉलो करते चलो आपका सम बनते हुए चलेगा कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा इसका ड्रॉबैक मैं आपका ये भी समझ सकता हूं कि क्या होगा। अब जैसे कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा वो एक ड्रॉबैक है इसमें बट
इसमें भी एक छोटा सा फायदा है। देखो मैं बस आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देने का ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि करना तो अपने को यही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी देने का ट्राई कर रहा हूं कि कैसे कैसे मतलब ट्राइंग टू फाइंड द पॉजिटिव्स इन द पेपर। यार नेगेटिव तो देखो भर भर के मिल सकते हैं, जैसे एक यही है सबसे बड़ा नेगेटिव अपने को टाइप करना है और कोई कंफर्टेबल नहीं होता टाइप करने में, पर उसका भी अपने पास स्ट्रैटेजी है ना, ठीक कर लेंगे एग्जाम तक, क्यों टेंशन लेते हो। देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन एक चला, हम सब डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ पेपर पैटर्न आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या चला, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ये एसएम का क्वेश्चन आ गया। अगर आप देख रहे हो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी ओएम एसएम मिक्स करके चलेगा, करेक्ट, तो ये एसएम का क्वेश्चन आया। अब बात ये है, अगर आपने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी के फीचर्स, हमने इसको न्यूमोनिक से पढ़ा था, कोड काओ जो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, कोड काओ याद होना चाहिए, याद आ जाएगा अब आपको जब मैंने बता दिया है। तो जो कोड काओ है ना, वो अभी तक अगर हम करते तो क्या करते, कोड काओ तो हेडिंग्स थे, वो हेड पॉइंट्स लिखते और फिर अंदर के आंसर्स भी लिखते, अंदर के लाइंस भी लिखना पड़ता हम लोग को, करेक्ट। यहां पे एक बुरा काम तो ये है कि देखो टाइप करना पड़ेगा, एक भला काम ये है, एक पॉजिटिव ये है कि अपने को हेड पॉइंट्स लिखना है, अंदर एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखना है, ये बहुत बढ़िया काम हो गया ना। तो यहां पे आपको फीचर्स लिखना है, करेक्ट। उसके बाद वापस से देखो ओएम का थ्योरी आ गया, यहां पे झमेला है और मैं मानता हूं ये है, डिस्कस द टर्म प्रोसेस स्ट्रेटजी, प्रोसेस प्लानिंग और प्रोसेस सिलेक्शन का एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस स्ट्रेटजी, ये क्या है, ये व्हाट इज प्रोसेस स्ट्रेटजी पूरा लिखा पैराग्राफ में, व्हाट डज इट इन्वॉल्व, की एस्पेक्ट उसके जो एलिमेंट्स है वो यहां पे इन लोगों ने लिख दिया है, करेक्ट करेक्ट। तो ये टाइप के क्वेश्चंस में झमेला है, क्योंकि काफी टाइप करने को मिलेगा, पर अपने उस स्ट्रेटजी का भी तोड़ निकालेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू ओएम का क्वेश्चन आ गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हरी बार आता है एक क्वेश्चन, तो इससे तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में लिख देंगे। इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे, देखो ये सिमुलेशन से क्वेश्चन आया, आराम से आपको इसमें अपने क्या बनाते हैं सिमुलेशन में, दो चीज बनाते हैं, पहला बनता है रैंडम नंबर रेंज टेबल और उसके बाद बनता है सिमुलेशन टेबल, करेक्ट। तो सिमुलेशन टेबल यहां पे दे दिया सिमुलेटेड वैल्यूज वाला, और रैंडम नंबर रेंज टेबल को वर्किंग नोट में दे दिया, सेम चीज है, बस जो लिखना होता था उसको अब अपने को टाइप करना है विथ द बेटर पार्ट, टाइप करना है तो प्रॉब्लम है ही, कोई दिक्कत नहीं, अपने उसको ठीक करेंगे ना, पर बेटर पार्ट क्या है, आपको फॉर्मेट का झमेला नहीं है। नेक्स्ट फोर मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, वापस में वही वैसा ही टाइप का क्वेश्चन, फिर देखो एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपको देखो पूरा 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 फॉर्मेट बनाते हुए चला गया, जहां फॉर्मूला मांगा फॉर्मूला डाल देंगे, जहां गारंटीड वे जिस टाइप से लिखा वहां पे कंप्यूटेशन डाल देंगे, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको दे देगा, आपको बस उसको फिल इन द ब्लैंक, मतलब एक गेम खेलने की तरह हो गया है, राइट। फिर देखो आइडेंटिफाई बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन, एलिमेंट्स लिख दिया, टाइप कर दिया, सॉरी लिख दिया तो आप बोल नहीं सकते, एंड डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट पर्पसेस सर्व्ड बाय योर स्ट्रैटेजिक विजन, करेक्ट। दो पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के, ईओक्यू का एक अच्छा बड़ा सारा क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको सब कुछ इधर दे दिया है, वर्किंग नोट भी दे दिया है, टेबल भी बना के दे दिया है, सब कुछ दे दिया है इन लोगों ने। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, राइट शॉर्ट नोट्स, जो अपने एसएम में होता था शॉर्ट नोट्स, एसएम का लास्ट क्वेश्चन होता था शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होते थे, आपको करना होता था 4, करेक्ट। यहां पे भी ऐसा ही है, 5 क्वेश्चन थे आपको करना है 4, देखो ना राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4, तो ये आपको करना है 4 out of 5, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 4 out of 5, वापस से ये 10 मार्क का ही है, 4 into 2.5 करके। तो ये प्राइमरीली एसएम के क्वेश्चंस है, इसमें आपको काफी टाइपिंग करने को रहेगा, ये प्रॉब्लम है। फिर एक अपने पास आता है सेक्शन डी, तो सेक्शन सी ये हुआ 4 क्वेश्चन करना है 6 में से, फिर एक आया सेक्शन डी, सेक्शन सी में डी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है और वो है ये है अपना कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस आपको आंसर करना है इस सेक्शन में, ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय स्पेस जहां पे आपको आंसर टाइप कर देना है। अब देख के आपको लगेगा पूछ क्या दिया, इतना बड़ा 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 पैराग्राफ क्या है, क्या है ये बड़ा बड़ा पैराग्राफ,
ये देखो इसमें क्या है, आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कोई एक चैप्टर से उठा के, और दो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, कौन से दो क्वेश्चन होंगे किसी को नहीं पता। अब प्रॉब्लम क्या है, आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते, आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कंपल्सरी है, कुछ भी पूछ लिया तो 10 नंबर या तो आता है तो 10 नंबर आपके पॉकेट में, और नहीं आता तो गए 10 नंबर। तो इसलिए चैप्टर छोड़ने का रिस्क आप नहीं लेने वाले, ये क्लियर है, करेक्ट। सो अब क्या हुआ, 10 मार्क के दो क्वेश्चंस, राइट। एक क्वेश्चन ये पूरा ऐसा केस स्टडी चला, इसको मैं बोलता हूं फर्जी केस स्टडीज या जाली केस स्टडीज, लिख लो चाहो तो लिख लो, फर्जी केस स्टडीज पूछा है इसका सब बहुत ही, ये केस स्टडी नाम का है, हाँ एकदम नाम का है, नॉर्मल क्वेश्चन मैं इसको लास्ट में बना दूंगा, अभी फॉलो करो, पेपर पैटर्न है। अब जैसे ये आपको दिख रहा होगा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, टाइप कैसे करे, आपके मन में क्वेश्चन आया, मेरे भी मन में आया था, तो देखो यहां पे उन लोगों ने क्या किया, 10 मार्क का क्वेश्चन को ना पार्ट 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 में ब्रेक कर दिया। जैसे पहले बोला हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले एक स्टेप पूछा, फिर अगला स्टेप पूछा, फिर अगला स्टेप पूछा, और फिर एक ओपिनियन मांग लिया, तो स्टेप बाय स्टेप वो आपको लास्ट आंसर तक ले जाएगा, तो 10 मार्क का क्वेश्चन उस हिसाब से बन गया। सेम क्वेश्चन नंबर 10 वैसा ही है, देखो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, थोड़ा सा कहानी किया जो यूजलेस है, मैं आपको बता दूंगा किस कैसे, और फिर ये स्टेप बाय स्टेप आपको चार पार्ट पूछा, वो चार पार्ट मिला के 10 मार्क होगा, 3+3+3 इस टाइप से होगा। अब 10 मार्क ये हुआ, एक एक पार्ट करके आपको लास्ट आंसर तक पहुंचा देगा, क्लियर है। ये था अपना पेपर पैटर्न, अच्छा है बुरा है, इसके दोनों ही फायदे और नुकसान दोनों है, पर अब जो दिया है ये अपने को करना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं, करेक्ट, इसको कर लेते हैं। मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपको सब अभी अभी डिस्कस कराऊंगा, एंड टाइम टू टाइम हम करते भी रहेंगे। पेपर 9 OMSM का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो टेंशन मुझ पर छोड़ दो, क्लियर। चलो देखो, पहला, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, विच वन इज क्लोजली रिलेटेड टू एजाइल, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। एजाइल वर्ड से मतलब समझो, एजाइल वर्ड का ही मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी है वहां पर, तो स्ट्रेट आंसर इसका होगा फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर, फ्लेक्सिबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये वर्ड पर ध्यान देना, नॉट क्या क्या नहीं है उसको मार्क करो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा नहीं है, लाइन बाय लाइन देखते हैं, एलिमिनेशन बेसिस जिसको मैं बोलता हूं, मैन आर आउटपुट, मैन आर आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, ये काट दो। लेबर प्रोडक्टिविटी रेशियो, ये प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, ये भी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, तो ये सबको काट दो। तो बचा क्या, TQM, और TQM तो मैनेजमेंट का फिलोसफी है, वो कोई इंडेक्स थोड़ी है, इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, राइट, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स आर लेस, कौन से स्पेयर्स का रिलायबिलिटी और पर यूनिट कॉस्ट कम है। बिना आंसर पढ़े मैं आपको पहले ही फील दे देता हूं क्वेश्चन का, देखो क्या बोला, रिलायबिलिटी भी कम हो और यूनिट कॉस्ट भी कम हो। रिलायबिलिटी कम किसका होगा, जो आपको टाइम टू टाइम बदलते रहना होगा, करेक्ट, उसी का कम होगा। कॉस्ट कम किसका होगा, अगेन जो आपको रोज बदलना है, जैसे सपोज करो ये माइक का बैटरी, ये सब हमें रेगुलर बेसिस पे बदलना पड़ता है, हर हफ्ते बदलना पड़ता है, तो दीज आर रेगुलर स्पेयर्स, राइट। तो रेगुलर स्पेयर्स भी वो है जो रिलायबल नहीं, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और फिर उनको हम बदल देते हैं, करेक्ट। आप सेल्स और बैटरीज टाइम टू टाइम हर चीज का चेंज करते रहते हो, राइट। तो ये हो गया अपना रेगुलर स्पेयर्स, राइट। इंश्योरेंस स्पेयर्स, कैपिटल स्पेयर्स, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसका पर यूनिट कॉस्ट कम तो हो नहीं सकता। रोटेबल स्पेयर रेगुलर नहीं बदला जाता, वो रिलायबल, रिलायबिलिटी उसका कम ऐसा कुछ नहीं होता। रोटेबल स्पेयर बस वो रोटेशन बेसिस पे उसको हम बदल लेते हैं, करेक्ट, पीरियोडिकली, क्लियर। फिर बेंचमार्किंग क्या होता है, बेंचमार्किंग नाम से देखो ना, बेंचमार्क बनाते हैं हम एक कोई भी चीज का, बेंचमार्क यानी एक टारगेट सेट करते हैं। तो पढ़ के देखो क्या है, एनालिटिकल टूल टू आइडेंटिफाई हाई कॉस्ट एक्टिविटीज, नहीं। सर्च फॉर इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस, बिल्कुल
बेंचमार्किंग यही तो है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इंडस्ट्री में, हम उसको देखते हैं और फिर हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं बेंचमार्क की तरह बना के। नेक्स्ट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बीपीआर क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। बीपीआर में आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल नहीं, दिस इज ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, फंडामेंटल रीथिंकिंग होता है, रेडिकल रीडिजाइन होता है, ड्रास्टिक चेंजेस लेकर आते हैं हम एक बार में, करेक्ट। दैट इज व्हाट बीपीआर इज, पूरे प्रोसेसेस को हम बदल रहे हैं, करेक्ट है बात। तो व्हाट इज बीपीआर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नहीं वो तो टीक्यूएम है, वो टीक्यूएम है। तो बीपीआर ये देखो, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन एंड ड्रामेटिक रिजल्ट्स। एक चीज मैंने आपको बोलना भूल गया, सॉरी। देखो क्या, इसमें जो चार सेक्शंस थे ना, ए बी सी डी, वो तो हमने देखा। अब इसमें से पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट ने एक लिमिट लगाया है, इस पर और क्लैरिटी आएगा मुझे उम्मीद है। इंस्टीट्यूट ने इस पर लिमिट लगाया, क्या लिमिट लगाया देखो तो, टाइम अलाउड फॉर सेक्शन ए एंड बी शैल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 मिनट्स, लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 मिनट्स। मतलब शायद ऐसा है, और पढ़ के तो ऐसा ही लग रहा है, तो हम ऐसा ही मानेंगे कि जो ए और बी है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है, उनका लिमिट दिया गया है 50 मिनट्स का। वो 50 मिनट्स का लिमिट दे दिया है, मतलब 50 मिनट्स के बियॉन्ड आप ए और बी पे काम नहीं कर पाएंगे। तो जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल रहेगा, ऐसा हो सकता है कि जब फर्स्ट 50 मिनट्स आपका खत्म हो जाए ना, तो आपका लैप्स हो जाएगा, वो ए और बी पे फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हम इसको टाइम देंगे। आइडियली आप ऐसा कर लो, ये 20 नंबर का एमसीक्यू को 20 मिनट दो, 20 मिनट फॉर 20 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, और अपने नेक्स्ट जिसमें थोड़ा सा टाइपिंग का भी रहता है, उसको थोड़ा सेफ साइड 20 to 25 मिनट्स देते हैं, और फिर लास्ट का 4-5 मिनट जो रहा ना, उसको फिल करेंगे। तब इसको फर्स्ट लेवल पे टारगेट करोगे 20 मिनट्स, ठीक है, इसको फर्स्ट लेवल पे टारगेट करोगे 20 मिनट्स। हर क्वेश्चन में 1 मिनट देना है आपको, हर क्वेश्चन में 1 मिनट देना है। जो क्वेश्चन में डाउट है ना, डाउट है, ज्यादा टाइम मत देना उस पर, एक बार उसको मार्क कर लो या कहीं पे लिख लो, मार्क कर लो और आगे बढ़ जाओ, करेक्ट। और या उसको एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो, लास्ट में फिर आ जाना, 50 मिनट से पहले आपको खत्म करना है बस, उसमें आप आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, और शायद आपको वहां पे भी मार्किंग करने का ऑप्शन दे ही देंगे। फिर आउट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स जो कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, लेस कंट्रोलेबल कौन से हैं, पढ़ो ऑप्शन खुद ही समझ आ जाएगा। मशीन ब्रेकडाउन, ऑफ कोर्स ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग क्या है, लेबर आप कंट्रोल कर सकते हैं, फैसिलिटीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इंस्टॉल करना है, और शिफ्ट, नंबर ऑफ शिफ्ट कितना होगा, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, मशीन ब्रेकडाउन कब होने वाला है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एम्स एट फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन देखो, और मेरे हिसाब से यहां पे सोल्यूशन गलत है। क्वेश्चन बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग एम्स एट द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। यहां पे सारे के सारा रिसोर्सेज का बात किया है, मेन मटेरियल्स, मनी एंड मशीनरी। आइडियली ये होता है वर्क स्टडी, हमने जब पढ़ा था, ये होता है वर्क स्टडी, क्योंकि यहां पे हम सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, पर यहां पे दिया है इन लोगों ने टाइम स्टडी। सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको बोला है, ये होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए आंसर सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से, देखो यहां पे लिखा हुआ है, पर जो हमने बुक में पढ़ा है और बुक अगर हम फॉलो करें, आंसर शुड बी वर्क स्टडी, आंसर शुड बी वर्क स्टडी, करेक्ट। तो हम वर्क स्टडी ही मार्क करेंगे, वैसे थोड़ी गलत आंसर को रट लेंगे। टाइम स्टडी होता है, हम पहले जॉब करते हैं, बेस्ट तरीके से, बेस्ट मैनर में वर्क परफॉर्म करते हैं, और जितना टाइम लगा वो जॉब को बेस्ट मैनर में करने में, वो टाइम को हम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। सो इट फोकसेस ऑन टाइम, इट फोकसेस ऑन टाइम, नॉट ऑन अदर रिसोर्सेस, ये फर्क है। द टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी रीशेड्यूल्ड विदाउट अफेक्टिंग अदर एक्टिविटीज प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, क्या ये प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, मतलब हम इसमें प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग कोई एक्टिव किसी को भी अफेक्ट नहीं कर रहे। फ्लोट में 3 कॉन्सेप्ट होता था, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये हमने देखा है। टोटल फ्लोट में क्या होता है, आगे पीछे मतलब इवेंट्स एक्टिविटीज पे वो फोकस नहीं करता, वो पूरे प्रोजेक्ट पर फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द एंटायर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डिले ना हो। फिर आता है फ्री फ्लोट, क्या होता है,
जो भी एक्टिविटी का फ्री फ्लोट निकाल रहे हो उसके आगे के एक्टिविटीज फ्री रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, जो भी एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट फ्लोट आप निकाल रहे हो आगे और पीछे दोनों में ही कोई चेंज नहीं हो सकता, करेक्ट। तो आंसर विल बी इंडिपेंडेंट फ्लोट। नेक्स्ट, फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर सेल्स फोरकास्ट क्या है, सेल्स फोरकास्ट यही है, एस्टिमेट करना है अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड, राइट, सेल्स फोरकास्ट। नेक्स्ट, लीड टाइम क्या होता है, ये तो अपने को पता है, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं वर्सेस जब गुड्स आ जाता है, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल्स। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, ध्यान रखो डिफरेंशिएशन नहीं पूछा, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन पूछा है। डिफरेंशिएशन अगर पूछता बहुत सारी चीजें आ जाती, राइट, प्राइस बढ़ा दो, यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करो कस्टमर्स को, ये सब चीजें आती। सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन माने डिफरेंशिएशन सक्सेसफुल कब है, वो तब होगा जब कस्टमर हमारे पास बंधे हुए हैं, जब कस्टमर्स बंधे हुए हैं। एप्पल का एग्जांपल देखो ना, उसका जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है इट इज सक्सेसफुल, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी, ऑल एप्पल यूजर्स आर ऑलवेज एप्पल यूजर्स, करेक्ट, तो ब्रांड लॉयल्टी बैठ जाता है। देखो यहां पे क्या होगा, गेन बायर लॉयल्टी टू इट्स ब्रांड्स, करेक्ट। नेक्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज क्या बोलता है, अब देखो जहां कहीं ऐसा कुछ आया ना, ऑल ऑफ दी अबव, अगर कुछ आता है आप ना चाहते हुए भी आपको सारा ऑप्शंस पढ़ना चाहिए, यू हैव टू रीड ऑल ऑप्शंस इन सच अ केस, करेक्ट, रीड ऑल। पहला क्या बोल रहा है, टू मेजर ब्रांड लॉयल्टी, बिल्कुल मार्केटिंग रिसर्च तो इसलिए करते ही है ब्रांड लॉयल्टी के लिए। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल को प्रेडिक्ट करना है, बिल्कुल मार्केट का पोटेंशियल क्या है, ये मार्केटिंग रिसर्च नहीं करेगा तो और कौन करेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्राइस रिलेशनशिप पता लगाना है कि क्या प्राइस अगर हम बढ़ा दे तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रोडक्ट प्राइस का रिलेशनशिप। तो तीनों ही करते हैं ना, जैसे आपको समझ आया वन और टू दोनों आंसर होना चाहिए, तो नेचुरल बात है अगर आपको सी में डाउट हो या नहीं हो, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, दो होते ही ऑल ऑफ द अबव हो गया ना। नेक्स्ट, इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या होता है, इनोवेट कर रहे हैं, इनोवेट मतलब कस्टमर्स की नीड्स को हम समझते हैं एंड वी डेवलप सच अ प्रोडक्ट, आरएनडी होता है इनोवेशन में। देखो रिस्पॉन्डिंग टू एंटिसिपेटिंग कस्टमर्स या नीड्स भी होना चाहिए बट ठीक है, एंड मार्केटिंग डिमांड्स, ठीक है। देखो फिर बोला रीसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट विच सजेस्ट यूज ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ हाई वॉल्यूम of high quality goods with some variety is referred to as what, जहां ही बोल दिया use of minimal amount of resources, उसका तो मतलब यही हो गया ना, waste कम करना है, wastage कम करना है, that means lean production, wastage कम करने का बात कर दिया माने ही lean production हो गया, correct। Which are one of the following standards is associated with quality assurance in final inspection test, final inspection test कौन से वाले से है, 9003, कुछ नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऑब्जेक्टिव वहां से उठ के आ गया है। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ध्यान रखो और बताओ कौन सा गलत है। पहला, गैंट चार्ट इज यूज फॉर शेड्यूलिंग, करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। राउटिंग या रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग, ये भी करेक्ट है। Cost of activity is proportional to the time of consumption, to the time of completion, natural बात है, project का time बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा, right? तो ये भी सही है। अब गलत कौन सा बचा, बिना पढ़े ही आप लिख सकते हो option 4, पर आप पढ़ भी लो क्या है, free float can be calculated by subtracting EFT from EST, earliest finish and earliest start time, अरे बिल्कुल नहीं, free float कैसे निकलता है, total float minus lack of हेड इवेंट, टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ हेड इवेंट, डन। पीछे का हम सारा छोड़ देते हैं ताकि आगे का फ्री रहे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। देखो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस तो ये होना नहीं चाहिए, इट शुड हैव बीन प्रिवेंटिव, कोई बात नहीं। Preventing maintenance includes lubrication, cleaning, periodic overhaul, etc. अरे नहीं ना, preventive maintenance मतलब time to time देख रहे हो, time to time maintain कर रहे हो ताकि वो breakdown ना करे, that is it.
ये होता है लुब्रिकेटिंग करने का, क्लीनिंग करने का, पीरियोडिक ओवरऑल ये सब जो होता है, ऑल ऑफ दीज आर रूटीन मेंटेनेंस। ये सब ये तो रूटीन मेंटेनेंस होता है ना, रूटीन मेंटेनेंस, तो यही गलत है, करेक्ट। उसके बाद बाकी सब सही है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, इट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर इधर ही दे दिया ना, वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड, कहां पे प्लांट है ये कौन बता सकता है, सिर्फ एक ही चीज, फैसिलिटी लोकेशन, नॉट लेआउट। लेआउट कॉन्फ़िगरेशन बताता है, लोकेशन जगह बताएगा। वेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डील्स विद फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लाई ओरिजिन्स टू अ डिफरेंट डिमांड डेस्टिनेशंस, बताओ। सप्लाई अलग अलग, डिमांड अलग अलग, कौन सा कितना यूनिट कहां भेजना है कौन बता सकता है, असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस इज व्हाट, आप भावुक होके ऑप्शन वन मत टिक कर देना, मेंटेनेंस ऑब्सोलेसेंस को प्रिवेंट नहीं कर सकता, ऑब्सोलेसेंस तो टाइम के साथ होगा, करेक्ट। नया नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो पुराना वाला ऑब्सोलीट होता ही है, आप चाहे उसको मेंटेन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट मेंटेनेंस क्या करता है फिर, वो यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड करता है, यूजफुल लाइफ को एक्सटेंड करता है, करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन बी, क्या बोला, सारा क्वेश्चन आंसर करो एकदम शॉर्ट, वन वर्ड वन लाइन में आंसर करना है। देखो, व्हाट आर द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, जितना इंडेक्स आपको मालूम है आप लिख दो टाइम के हिसाब से। आइडियली एक मार्क का है ना, एक मार्क का है तो हम दो दो लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, आधा आधा मार्क इस टाइप से सोच के लिख सकते हैं, करेक्ट। यहां पे भी इन लोगों ने यही किया है, 0.5 मार्क्स ईच, दो लिख दिया पर बहुत है, आप लिखने को तो और भी लिख सकते हो। क्या क्या लिखा है इन लोगों ने, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो मैन आर आउटपुट होगा, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, आप प्रोडक्टिविटी में भी आप चाहो तो लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, फिर और भी आ जाएगा फाइनेंशियल रेशियो, उसके बाद में मैन पावर प्रोडक्टिविटी, एनर्जी प्रोडक्टिविटी, ये सब आप लिख सकते हो, मटीरियल प्रोडक्टिविटी, बहुत सारा आ जाएगा। तो पर इन लोगों ने ब्रॉड दो लिखा है, हम दो में ही काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, एकदम स्ट्रेट ये लिखना है, ऐसा नहीं द इंडिसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी आर, ये सब नहीं, स्ट्रेट और सटीक। व्हाट इज सेल्स फोरकास्ट फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर, अभी तो ऑब्जेक्टिव में देखा, बस वही छाप देना ना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। सेल्स फोरकास्ट क्या है, एस्टिमेट करना है सेल्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड, दैट इज इट, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड। बस ये वर्ड अगर आपके आ गए ना, आपको एक मार्क मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी। सिर्फ वर्ड्स लेकर आना है, और इंस्टीट्यूट भी तो यही बोल रहा है, इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आपको पूरा सेंटेंस ही लिखना है कि द सेल्स फोरकास्ट फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर इज एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स, ऐसा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर। फिर लीड टाइम क्या होता है, अगेन लीड टाइम, द मीनिंग ऑफ लीड टाइम इज, ये सब नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीड टाइम क्या है, टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीप्ट ऑफ मटीरियल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनिश, करेक्ट, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटीरियल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा वेग है, इसमें ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटीरियल्स, इज इट ट्रू, क्या अब ये क्या बोला, टाइम अगर ये लीड टाइम है तो हाँ इट इज ट्रू, पर यहां पे फॉल्स लिखा है तो क्वेश्चन क्या है नहीं पता, करेक्ट। तो इसको छोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब इवैल्यूएशन यूजेस व्हाट काइंड ऑफ मेथड, रैंकिंग मेथड, तो ये बस रैंकिंग मेथड लिख दिया, बात खत्म। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्रीज एज ड्यूरेशन इंक्रीजेस, इज इट ट्रू, यस बिल्कुल इट इज ट्रू, तो आप यस लिख दो या ट्रू लिख दो, यस इट इज ट्रू, इस टाइप का कुछ लिख दो, पर बहुत शॉर्ट रखना, आपको टाइम को भी ध्यान देना है, आप यस लिख सकते हो, आप ट्रू लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, करेक्ट। फिर व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सब तो यही है, एमसी, अगेन ये मॉडल टेस्ट पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आप प्रैक्टिस करो, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पेपर पैटर्न पता चले, वही जो एमसीक्यू का एक ऑप्शन था ना उसी को लिखा है। देखो, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन टू अचीव ड्रामेटिक रिजल्ट्स, ये तीन वर्ड आना चाहिए बस, एकदम स्ट्रेट वन लाइन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, हम अजम्पशंस एंड बिलीव्स, अब अगेन देखो ये एसएम का स्ट्रेटजी आ गया, एसएम का क्वेश्चन आ गया, तो ओएमएसएम यहां पे मिक्स चलेगा। अजम्पशंस एंड बिलीव्स जो विच इज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द फर्म, बस एक आंसर एक लाइन में, करेक्ट। इनोवेशन स्ट्रेटजी क्या है, एंटीसिपेटिंग कस्टमर नीड्स एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली,
एंटिसिपेट क्या नीड्स को, मार्केट डिमांड्स को, एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली. एक लाइन बस. प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज अ डिवाइस ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो बिटवीन आउटपुट्स एंड इनपुट्स. इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. यस इट इज ट्रू. अब इसमें रीजन मत लिखने चलना. यस इट इज ट्रू बिकॉज प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. ऐसा नहीं. यस yes, बात खत्म. नेक्स्ट, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन क्या है? गेनिंग बायर लॉयल्टी टू द ब्रांड्स. अभी देख क्या. फिर कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन. क्या है? हम ओकेजनल चेकअप कर रहे हैं जो जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुके हैं, सो दैट हाई क्वालिटी मेजर हो. क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, यही तो बोलेंगे. तो कुछ भी लिख दो. इंस्पेक्शन लिखा इन लोगों ने. इंस्पेक्शन टेक्निकल वर्ड तो इंस्पेक्शन ही है, तो इंस्पेक्शन लिखो. बात खत्म. करेक्ट. आप कुछ भी लिख सकते हो. नहीं श्योर है तो इंस्पेक्शन कॉमा क्वालिटी कंट्रोल कॉमा टेस्टिंग, ये सब लिख दो. राइट. व्हाट आर सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के लिए क्या टेक्निक्स है जो उसके मैनेजमेंट प्लानिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं. नेटवर्क एनालिसिस, सीपीएम पर सीपीएम जो हम पढ़ते हैं ना, सीपीएम यानी नेटवर्क एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं. आप ये भी लिख सकते हो नेटवर्क एनालिसिस या सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, कुछ भी आप लिख सकते हो. इन लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस लिखा है, सही है. और पर्ट या मत लिखना, क्योंकि पर्ट नाम से देखो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू करता है, वो ये नहीं करता. करेक्ट. विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, विच डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाइटल स्पेयर पार्ट्स नीड्स टू बी असर्टेन टू मीट एन इमरजेंसी लाइक ब्रेकडाउन. कोई ब्रेकडाउन आए तो स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए, बात सही है, पर उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट ये स्पेयर आपको देगा? प्लांट एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यहां पे मेंटेनेंस स्पेयर डिपार्टमेंट बोला है, सही है, नाम कुछ भी हो. कौन, विच आर द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन गलत है. विच आर द फॉलोइंग नहीं हो सकता. इन लोगों ने पहले कहीं से क्वेश्चन लिखा होगा. इट बी विच मैट्रिक्स या विच कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ लिख देंगे. विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या विच टूल बोल सकते हैं, विच टूल एनालाइजेस प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस बाय मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ. बीसीजी मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स. इज सुपरविजन अ पार्ट ऑफ 7S फ्रेमवर्क? बिल्कुल नहीं. सुपरविजन वहां कहीं नहीं आता. आप रिकॉल करो 7S को, तो इट्स नॉट अ पार्ट. टारगेट्स, टारगेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विजन एंड मिशन स्टेटमेंट. इज इट करेक्ट? नहीं. विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, तो टारगेट्स नहीं, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स बनते हैं. सो इट इज इनकरेक्ट. रॉ मटेरियल सोर्स एट अ डिस्टेंस, दूर में है रॉ मटेरियल सोर्स. इज दिस एन एडवांटेज फॉर अ कंपनी? खुद सोचो ना. रॉ मटेरियल का सोर्स, आपका फैक्ट्री जहां है उससे दूर में कहीं पे सोर्स है, आपके लिए नुकसान है या फायदा है? नुकसान है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, सप्लाई इश्यूज आ सकता है. सो नो, इट इज अ डिसएडवांटेज. नेम वन डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट कैन बी एक्सपेंसिव, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. बहुत सारा आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो. अगेन सिर्फ हेड पॉइंट लिखना है, अंदर का एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करेंगे आप. करेक्ट. नेक्स्ट, ओनली हेड पॉइंट. हायर करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एसबीयूज. अगेन एसएम का ही क्वेश्चन आ रहा है लास्ट का कुछ. डू यू अग्री? हाई करियर डेवलपमेंट एसबीयू का एडवांटेज है, बिल्कुल है, क्योंकि वहां पे हम अलग अलग बिजनेसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो नेचुरल बात है हर एक टीम मेंबर्स को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा. तो यस इट इज. नेक्स्ट सेक्शन सी, क्या बोल रहे हैं यहां पे? 4 out of 6 क्वेश्चंस आपको करना है. देखो यहां बोला कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम पर आर्टिकल प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन बाय अ वर्क सैम्पलिंग स्टडी. अब ये क्वेश्चन अपना ऑलरेडी किया हुआ है, बस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखो यहां पे क्या बोला, स्टैंडर्ड टाइम आपको कंप्यूट करना है, और हमने डिस्कस किया हुआ ये क्वेश्चन. तो स्टार्ट आइडियली क्वेश्चन यहां से होगा, ऊपर का पार्ट आप अलग कर दो. जैसे ही आप सबको साथ में पढ़ोगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो नीचे से देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 100 आवर्स 5000, मतलब ये क्लॉक आवर्स है, ये क्लॉक आवर्स है. करेक्ट, क्लॉक आवर्स है.
कब आया से लेके कब गया, वो पूरे 100 आवर्स ऑफ क्लॉक आवर्स में उसने 5000 यूनिट बनाया। क्या इसमें कोई आइडल टाइम नहीं होगा? बिल्कुल होगा आइडल टाइम। तो जब हम इसमें से आइडल टाइम माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? एक्चुअल आवर्स मिलेगा, ये हमको ऑलरेडी मालूम है, करेक्ट। आइडल टाइम माइनस करना होगा तब जाके एक्चुअल आवर्स मिलेगा। 5000 यूनिट बनाने में एक्चुअल टाइम कितना लगा? अब पहले तो वही निकालेंगे तभी तो हम स्टैंडर्ड टाइम पे पहुंचेंगे। तो देखो इन लोगों ने भी पहले यही किया, एक्चुअल वर्किंग टाइम कैसे आएगा ये हमने कैसे डिस्कस किया था। आइडल टाइम कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी निकालने का इन लोगों ने इनडायरेक्ट तरीका यहां पे दिया है, ये वाला। कैसे निकलेगा एफिशिएंसी? 2000 बाय 2600 इंटू 100, ये आएगा लगभग 76.923%। इतना आपका एफिशिएंसी है, मतलब जो बाकी टाइम है वो आपका आइडल टाइम चला था, बाकी टाइम आपका आइडल टाइम चला था। तो ये लोग ने क्या किया है, अब ये एफिशिएंसी निकालने का बस एक तरीका था। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे दिया, ये एक सैंपल है, इसलिए मैंने बोला था ये अलग पढ़ना है इसको। ऊपर का 2000 और 2600 सैंपल है, उसको 5000 से लिंक बिल्कुल मत करना, वही कंफ्यूजन आ जाएगा, करेक्ट। तो 2000 बाय 2600 मतलब 2600 टोटल में से अपने को 2000 यूनिट बनाना है, तो अपना सैंपल में से अपना एफिशिएंसी कितना है अपने ये निकाल लेंगे। निकाल लिए, 76.923% एफिशिएंसी है। तब वो जब उससे माइनस करेंगे तो आइडल टाइम माइनस हो जाएगा। आइडल टाइम जब माइनस हो जाएगा तो 5000 यूनिट को बनाने के लिए 100 घंटा जो क्लॉक आवर्स है उससे आइडल टाइम निकाल दो। कैसे निकला? देखो एक्चुअल वर्किंग टाइम इन लोगों ने डायरेक्ट ये कर दिया। हम पहले कैसे करते थे? 76.923% इंटू 100 आवर्स, यही लोग ने यहां पे भी यही किया है, राइट। तो आप डायरेक्ट ये कर दो, आ जाएगा 76.923 आवर्स। अब ये एक्चुअल टाइम निकला जो 5000 यूनिट को बनाने के लिए लगा। फिर अपने क्या करते हैं, एक आर्टिकल का टाइम एक्चुअल टाइम निकालते हैं, क्योंकि निकालना क्या अपने को? स्टैंडर्ड टाइम पर आर्टिकल निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम पर आर्टिकल। सो टाइम टेकन पर आर्टिकल क्या होगा? एक्चुअल है ये, अगेन दिस इज एक्चुअल। तो ये टोटल एक्चुअल टाइम था 5000 यूनिट का, तो एक का निकाल लो 76.923 इंटू 60 बाय 5000, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम आ गया 0.923 मिनट्स। अब 0.923 मिनट आ गया, ये है एक्चुअल टाइम जो लग रहा है 0.923 मिनट। अब हमको इसमें क्या एडजस्ट करना होता है? एफिशिएंसी से एडजस्ट करना होता है, यानी ये रेटिंग फैक्टर से एडजस्ट करेंगे और फिर नॉर्मल टाइम वगैरह ऐड करेंगे, राइट। अब रहा बात इसमें क्या रहा, यहां पे आप पूरे में एफिशिएंसी मत जोड़ देना, यहां पे डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? पहले उसको डिवाइड करो, 3/4 मैनुअल है, 1/4 मशीन है। तो 0.923 जो आया, 0.923 इंटू 3/4 करो, 0.692, ये अपना लेबर टाइम, दिस इज लेबर टाइम, ऑब्जर्व्ड मैनुअल लेबर टाइम। ऑब्जर्व माने एक्चुअल, ये हमने देखा है, ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल सेम मीनिंग होता है। फिर मशीन टाइम क्या है? 0.923 इंटू 1/4, 0.230 मिनट आ गया, ये निकाल लिए। अब अपने क्या करेंगे? लेबर टाइम में एफिशिएंसी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि मशीन टाइम जो है ना वो यही फाइनल है। मशीन टाइम इज ऑलवेज एट 100% एफिशिएंसी, हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो जो चेंज होगा वो लेबर टाइम में होगा। तो लेबर टाइम में चेंज करते हैं, आओ। लेबर टाइम में चेंज किया, अब लेबर टाइम के लिए क्या है? जो 0.6922 है, ऊपर क्या बोला? ऑब्जर्व्ड रेटिंग फैक्टर इज 120%, ऑब्जर्व्ड रेटिंग फैक्टर इज 120%, यानी लेबर जो है ना वो 120% एफिशिएंसी से काम कर रहा है। मतलब 0.6922 मिनट्स इज फॉर 120% एफिशिएंसी। तो जब 100% एफिशिएंसी होगा वही तो मेरा स्टैंडर्ड टाइम होगा। स्टैंडर्ड टाइम इज ऑलवेज एट 100% एफिशिएंसी, तो उसको ले आओ। क्या करेंगे हम? टाइम बढ़ना चाहिए, टाइम विल इंक्रीज अगर 100% एफिशिएंसी में लाना है। तो कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व टाइम या एक्चुअल टाइम पर यूनिट, लेबर का एक्चुअल टाइम पर यूनिट इनटू स्ट्रेट फॉरवर्ड रेटिंग फैक्टर या परफॉर्मेंस फैक्टर। तो आ गया 0.6922 को 1.2 कर दो, 0.8306 आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड लेबर टाइम आ जाएगा। स्टैंडर्ड लेबर टाइम में हम क्या करते हैं? नॉर्मल टाइम निकला आइडियली उसको इतना लगना चाहिए, 0.83
06, ये एक्चुअल टाइम ही है, एक्चुअल नॉर्मल टाइम। अब इसमें से कुछ तो बंदा आइडल टाइम भी लेगा, कुछ तो नॉर्मल टाइम लेगा, वो जोड़ दो। अब जब जब मैंने आपसे डिस्कस किया है, जब जब भी ऐसा 15% ऑफ नॉर्मल टाइम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम करेंगे। नॉर्मल टाइम का दो तरीका होता था ना, एक तो इंटू 1.15 कर देंगे, राइट, इंटू 1.15 या प्लस 15% जिसको हम बोलते हैं, या एक दूसरा तरीका होता है डिवाइड बाय 1 माइनस 15.15, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0.85 करे तो। यहां पे ऑफ जब बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिटिव मॉडल चलेगा, मतलब ऐड करो। तो 0.8306 अपने को यहां मालूम था, इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, इसका 15%, यानी 0.12459 ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, कितना आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा 0.9552, यही आ गया इधर, करेक्ट। अब ये अपने को मिल गया स्टैंडर्ड लेबर टाइम मिला है, ये आंसर नहीं है, स्टैंडर्ड लेबर टाइम मिला है। उसके बाद मशीन का टाइम अपने पास ऑलरेडी है, मशीन का टाइम में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि उसका एफिशिएंसी वगैरह सब सेम ही चलेगा। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, लेबर टाइम 0.9522 जो है 0.9552 प्लस हम ऐड कर देंगे मशीन टाइम, तो ये स्टैंडर्ड लेबर टाइम हो जाएगा। अब देखो ये जो लास्ट का छोटा सा पॉइंट था, ये हम कई बार होता है क्वेश्चन एग्जाम में मिस करके आ जाते हैं, स्टैंडर्ड लेबर टाइम पर यूनिट ऑफ आर्टिकल निकालते नहीं है, लेबर टाइम निकाला आंसर आ गया, भूल जाते हैं लास्ट स्टेप, आप यहां पे नहीं भूलेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट में दे दिया, करेक्ट। नेक्स्ट देखो बी क्या बोला, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी लिखना है, कोड का जो हमने डिस्कस किया था बस उसका एकदम हेड पॉइंट लिख दिया है, ओनली हेड पॉइंट लिखा है, आपको अंदर का कुछ नहीं लिखना है, करेक्ट। नेक्स्ट डिस्कस द टर्म प्रोसेस स्ट्रेटजी, वो क्या इन्वॉल्व करता है, प्रोसेस स्ट्रेटजी को डिस्कस कर दो पूरा, पहले लिख दो अबाउट प्रोसेस स्ट्रेटजी और उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स, ये यहां पे डिस्कस करके फायदा नहीं है, हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे तो इसको यहां छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, डिस्कस रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में पूरा डिस्कशन चला दो, क्या है, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा डिस्कशन चलेगा। अगेन ये जो ओएम वाला रिलेटेड थ्योरी है ना, ये सब हम अलग से डिस्कस करने वाले, उसको यहां पे छोड़ दो। 5A क्या बोला, बेकरी शॉप सेल्स अ वैरायटी ऑफ बेकरी आइटम्स, पास्ट डेट ऑफ डिमांड पर वीक इन 100 किलोग्राम्स विद फ्रीक्वेंसी इज गिवन बिलो, तो डिमांड पर वीक दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया, यूज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स, जेनरेट डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स। सबसे पहला हम सिमुलेशन में क्या करते हैं, रैंडम नंबर टेबल बनाते हैं, करेक्ट, रैंडम नंबर टेबल बनाते हैं, अपने को निकालना क्या है इसमें, निकालना क्या है, डिमांड निकालना है अगले 10 हफ्तों का और एवरेज डिमांड पर वीक क्या है, लास्ट में ये निकालना है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सीक्वेंस, सॉरी रैंडम नंबर रेंज टेबल, वो देखो इधर वर्किंग नोट में है, आप कुछ भूल ही नहीं सकते चाह के भी। ये वर्किंग नोट में आपको क्या दिया रहेगा मालूम है, देखो ये जो मैं पिंक सा हाईलाइट कर रहा हूं वो आप ढक दो, या इनफैक्ट मैं आपको एक सेकेंड अभी दिखाता हूं, ये देखो ये सबको इरेज कर दो, जो बचा हुआ पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है ना, ये आपको एग्जाम में दे के रखेंगे। तो जब ये दे दिया तो अपने को सिर्फ फिलअप ही तो करना है, देखो कैसे फिलअप करना है, तो 0 to 30 डिमांड पर वीक है वो इन लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी पूरा लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी में हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी देगा या वो फ्रीक्वेंसी जैसे दिया, हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इससे। तो पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, टोटल कर लो क्या आएगा, 20, 32, 40, 50, ये आया 50, डन। जब टोटल 50 है प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको ध्यान है, नहीं तो कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। जैसे 1 को जब हमको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, 1 into 50 मेरा टोटल है, सॉरी 1 मेरा फ्रीक्वेंसी है, टोटल है 50, तो 1 divided by 50 into 100, वो आ गया 0.02, वो आ गया 0.02। फिर क्या होगा नेक्स्ट, 12 upon 50 into 100, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100 में होता है तो वो 100 में हम कन्वर्ट कर देंगे, बाय 50 इंटू 100, जस्ट सिंपली उसको डबल करते जाओ, ये 50 है
प्रोबेबिलिटी 1 या 100 में होता है, तो हर एक को डबल कर दो। जैसे 1 जब फ्रीक्वेंसी है तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.02, 12 है तो 0.24, 19 है तो 0.38, 8 है तो 0.16, 6 है तो 0.12, 4 है तो 0.08 प्रोबेबिलिटी निकला। अब निकालेंगे अपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेट कर दो 0.02, अब 0.02 प्लस 0.24, 0.26, फिर 0.64, इस तरह से क्यूमुलेट प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। क्यूमुलेटिव जब निकाल दिया फिर अपने आप रेंज निकाल देंगे। रेंज होता है प्रोबेबिलिटी से एक पहले, क्योंकि वो जीरो से शुरू होता है, वो जीरो से शुरू होगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर क्यूमुलेटिव 0.02 है तो रेंज कहां तक जाएगा, 0 to 1। प्रोबेबिलिटी अगर 0.26 तक है तो क्या होगा, अब नेक्स्ट 2 से शुरू होगा 25 तक जाएगा, फिर 26 से शुरू होगा और 64 है अगर प्रोबेबिलिटी तो 63 तक जाएगा। इस तरह से रेंज भी कंप्यूट हो जाएगा, इस तरह से रेंज भी कंप्यूट होगा और 99 तक चले जाएगा। करेक्ट, 99 तक रेंज चले जाएगा। फिर रेंज निकल गया, अपने को अब उससे अपने सिम्युलेशन टेबल बना लेते हैं, देखो क्या बोला यहां पे, वीक दे दिया, ये आपको दिया हुआ है। अब वीक दे दिया आपको, ऑलरेडी रेंज मालूम है, रैंडम नंबर ऊपर में दे दिया है। देखो रैंडम आपको 10 ही चाहिए, तो आप कितना लोगे, यहां पे 10 से ज्यादा दिख रहा है, पहला 10 लो, पहला 10 आपको सिर्फ यहां तक लेना है, बाकी आप ये जो है ना इसको कट कर दो, ये कट कर दो। सो 12 से लेके 35 तक पूरा यहां पे नोट कर लिया सीक्वेंस में, पहला 10 को ले लो और लिया। अब रैंडम नंबर आ गया तो डिमांड रेंज टेबल से हमें मिल जाएगा, जैसे 12 रैंडम नंबर 12 है तो 12 किस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, तो डिमांड विल बी 6। तो यहां पे अपने लिख दे 6। रैंडम नंबर है 27 तो 27 किस रेंज में आएगा, अगेन यही रेंज में आएगा, तो अपने लिख देंगे 27 नेक्स्ट रेंज में जाएगा, 26 से शुरू हो रहा है तो फिर उस केस में होगा डिमांड 12। करेक्ट, 18 पिछले वाले रेंज में होगा 6 में तो 6। 58 26 टू 63 में फॉल कर रहा है तो इसका रेंज हो जाएगा 12, डिमांड हो जाएगा 12। फिर 43 कहां फॉल कर रहा है, अगेन 26 टू 63 में तो इसका डिमांड फिर से हो जाएगा 12। 75 कहां फॉल करता है, देखो यहां पे कितना 18 तो इसका डिमांड हो जाएगा 18। इस तरह से हम सारा डिमांड लिख लेंगे, रेंज टेबल से देख के। करेक्ट, बस पिकअप करके इधर डालना है, लिख लिया। फिर अब निकालना पहला पार्ट, डन, डिमांड फॉर 10 वीक्स डन। अब एक और पार्ट निकालना है इसका, एवरेज डिमांड पर वीक, कितने वीक्स हैं, 10, टोटल कितना है इसका। अब एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल करना ही होगा, देखो ना फॉर्मूला फॉर्मेट इतना बढ़िया से दिया है, टोटल आपने कर दिया, डिवाइड बाय 10 कर दो, 11.4 यूनिट्स नहीं है ऊपर से देखो। फिर लास्ट में आपको एवरेज वीकली डिमांड अलग से पूछा है, यहां आपको थोड़ा ध्यान देने का है, 11.4 वीक्स मत लिख देना या 11.4 यूनिट्स मत लिखना। देखो पांच डेटा ऑफ डिमांड पर वीक इन 100 किलोग्राम्स, मतलब ये 11.4 केजीज नहीं है, 11,400 केजीज है। करेक्ट, उसके बाद फोर मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया, वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग क्या है, इनफैक्ट 7 मेथड्स हमने पढ़ रखा है, 7th एक मूविंग एवरेज भी तो है। करेक्ट, इनमें से कोई भी 4 लिख दो, बस मेथड आपको लिखना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 नंबर आपका पॉकेट में, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला, अ वॉच असेंबलिंग यूनिट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्शन बोनस स्कीम, अगेन सब डिस्कस किया हुआ है, विच अलाउज प्रोपोर्शनेट बोनस बियॉन्ड 100% परफॉर्मेंस लेवल। ये भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है, प्रोडक्टिविटी अगर 100% के ऊपर है अपने को बोनस एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल सा चीज। ये सब आपको डेटा दे दिया, ऑपरेशन क्या है, टेबल क्लॉक सेट बनाना है, राइट। वर्क कंटेंट 40 स्टैंडर्ड मिनट्स लगता है, ये स्टैंडर्ड टाइम है 40, ये जो है दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम। फिर आपको वेज रेट दे दिया, अटेंडेड टाइम ये आपको दिया है एक्चुअल, करेक्ट एक्चुअल टाइम।
टाइम स्पेंट ऑन अनमेजर्ड वर्क, ये आपको दे दिया आइडल टाइम, और कितना सेट्स आपको बनाना है 10, ये आपको दे दिया। निकालना क्या है, ये सब चीज निकालना है, और इसका पूरा पूरा फॉर्मेट दे दिया। अपने तो बिना फॉर्मेट के ही निकाल सकते थे, अब जब फॉर्मेट दे दिया तो और बेटर तरीके से भी निकाल सकते हैं। बस इसमें एक झमेला आपको ये करना है, पहले आपको रफ शीट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वहां से उठा उठा के यहाँ पे वैल्यूज लिखना है। इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखना है ना, कहीं पे आपसे फॉर्मूला भी पूछा है, कहीं कहीं पे आपसे फॉर्मूला भी पूछेगा, तो आपको फॉर्मूला लिखना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे फॉर्मूला लिखना है, उसका वो अलग से मार्क्स अलॉट करके रखा है, तभी तो पूछा है। देखो तो सबसे पहला पूछा गारंटीड वेज कितना होना चाहिए, गारंटीड वेज कितना होगा, कितने घंटे वो काम कर रहा है, कितने घंटे वो आ रहा है, या इनफैक्ट ये अटेंडेड टाइम को ना हम क्लॉक आवर्स बोल सकते हैं, क्लॉक टाइम बोल सकते हैं, या एक्चुअल टाइम बोल दो, और फिर जब आइडियल टाइम हटा देंगे तो एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम आ जाएगा, करेक्ट है। जैसे इधर में क्या आएगा, गारंटीड वेज आपसे पूछा है, वो कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, करेक्ट, पर आर उसको कितना मिलता है, 50 रुपए, तो कितना होगा गारंटीड वेज, 400 रुपए तो उसको मिलना ही चाहिए। जितना टाइम वो आएगा, क्या उसको आइडल टाइम का पैसा नहीं मिलेगा, अरे ऑफ कोर्स मिलेगा, कोई रोबोट थोड़ी है जो दिन भर काम कर लेगा और उसका पैसा काटोगे, नहीं, इतना चलता है, नॉर्मल आइडल टाइम इज ऑलवेज अलाउड, करेक्ट। तो गारंटीड वेज कितना होगा, आवर्स वर्क्ड, कितना आवर्स उसने काम किया इंटू वेज रेट पर आवर, सिंपल, आवर्स वर्क कितना, 8 आवर्स इंटू 50 पर आवर, ₹400। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, करेक्ट, एक्चुअल आउटपुट उसने कितना बनाया है, उसको बनाना है एक दिन में 10, एक दिन में 10, तो एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पूछा है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक यूनिट का, एक यूनिट ऑफ आउटपुट का स्टैंडर्ड टाइम कितना इंटू एक्चुअल टाइम, यही तो हम करते हैं ना, क्या करते हैं इसके लिए, एस आर, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल आउटपुट, यही तो करते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 40 मिनट्स पर सेट, 40 मिनट्स एक का, तो 40 मिनट, देखो फॉर्मूला लिख दिया, स्टैंडर्ड टाइम पर असेंबल सेट इंटू नंबर ऑफ सेट असेंबल्ड, पहला क्या होगा 40 मिनट्स पर सेट लगा इंटू टोटल कितना 10 सेट, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट हो गया 400 मिनट्स, 400 मिनट्स, यूनिट लिखना मत भूलना, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्या पूछा, आवर्स वर्क्ड पर एक्चुअल आउटपुट अचीव बाय मिस्टर वाई, अब एक्चुअल आउटपुट के लिए आवर्स वर्क्ड आप बोलेंगे 8 घंटे, अरे नहीं, वो तो क्लॉक आवर्स है, वो एक्चुअल टाइम, पर जब एक्चुअल आवर्स वर्क्ड पूछ लिया, मतलब कितना घंटा उसने काम किया है उसके ऊपर में, प्रोडक्टिव टाइम, ये होगा प्रोडक्टिव टाइम, हमेशा हम प्रोडक्टिव टाइम को ही लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर रखा है, आइडल टाइम इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये सब वही है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। तो यहां क्या होगा, अगेन आवर्स वर्क माइनस टाइम स्पेंड ऑन अनमेजर्ड वर्क यानी आइडल टाइम, आवर्स वर्क टोटल कितना है 8 घंटे, 8 घंटे टोटल आपने काम किया है, और टाइम स्पेंड ऑन अनमेजर्ड वर्क कितना है, 3 घंटे माइनस कर दो तो 5 आवर्स, 5 आवर्स इज माई एक्चुअल टाइम, 5 आवर्स इज माई एक्चुअल टाइम, 5 आवर्स। अब क्योंकि आपने ऊपर मिनट्स में निकाला है स्टैंडर्ड टाइम को 400 मिनट्स, तो आप यहां भी इसको 5 आवर्स को कन्वर्ट कर दोगे मिनट्स में, या तो आप उधर भी 400 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 करके 6.6666 आवर्स लिखो, या फिर आप एक्चुअल आवर्स को भी 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करके 300 मिनट्स लिखो, इंटू 60 कर दिया तो 300 मिनट्स है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव बाय मिस्टर वाई, कुछ नहीं, प्रोडक्टिविटी पूछा है, कुछ नहीं पर प्रोडक्टिविटी पूछा है, प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे डेफिनेशन हमने पढ़े हैं, उसमें से जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, अब देखो क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है, आउटपुट दिया है उसने या टाइम दिया है, टाइम दिया है उसने, जब टाइम दिया है, जब टाइम दिया है तो प्रोडक्टिविटी कितना होगा, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। वही अगर आउटपुट देता तो क्या होता, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, करेक्ट। यहां पे क्या दिया है, स्टैंडर्ड टाइम
यहां पे क्या दिया है, टाइम दिया है, तो अपने क्या लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट। और बहुत लॉजिकल भी आपको लगेगा, लॉजिक से सोचो, ये बोलना चाह रहा है उसको 400 मिनट लगना चाहिए था, लगा कितना, लगा कितना 300 मिनट, तो मतलब उसका एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बेटर था ना, इट वॉज मोर देन 100%, तभी तो वो काम जल्दी खत्म किया। तो आपको इसी से फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट, यही है बस, सॉरी स्टैंडर्ड एज फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल टाइम, सॉरी करेक्ट, इंटू 100, तो 400 अपॉन 300 इंटू 100 इज 133.33%, तो ये प्रोडक्टिविटी आ गया, क्लियर बात एकदम। फिर बोला एलिजिबिलिटी निकालो फॉर प्रोडक्शन बोनस, एलिजिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन बोनस, इज ही एलिजिबल, पहले येस और नो बताओ, एलिजिबिलिटी बोला, एलिजिबिलिटी जो पूछा है सटीक उतना आंसर देना है। एलिजिबिलिटी देखो क्या बोला, ऊपर में पढ़ो, एक प्रोडक्शन बोनस स्कीम ऐसा है विच अलाउज प्रोपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस बियॉन्ड 100%, बियॉन्ड 100%, तो 100% से ऊपर होते ही उसको बोनस मिल जाएगा ना, अगर उसका प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन 100% है तो उसको बोनस मिल जाएगा, तो उसको बोनस दे दो, उसको बोनस दे दो। तो बस एलिजिबिलिटी क्या लिखा, एलिजिबिलिटी क्या लिखा, एलिजिबिलिटी में पहले, अब देखो यहां पे फॉर्मेट कैसे दिया आंसर का, पहले लिखा क्राइटेरिया, क्या वो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल तो है, करेक्ट, एलिजिबल तो है, पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपसे पूछा, तो नेचुरल बात है वही परफॉर्मेंस लेवल, यानी प्रोडक्टिविटी जब बियॉन्ड 100% होगा तो एलिजिबल होगा, दैट इज द क्राइटेरिया जो क्वेश्चन में ही दिया था, बस उसको एक लाइन में लिख दो, परफॉर्मेंस लेवल बियॉन्ड 100%। नेक्स्ट कंप्यूटेशन बोला, नेक्स्ट कंप्यूटेशन बोला, और फिर बोला एलिजिबल अमाउंट, तो कंप्यूटेशन में आप डाल दोगे फॉर्मूला को, आप डाल दोगे फॉर्मूला को, और यहां पे आप निकाल दोगे अमाउंट, कितना अमाउंट होना चाहिए, वर्किंग यहां हो जाएगा, कंप्यूटेशन में फॉर्मूला आ गया, क्या होगा, प्रपोर्शनेट प्रोडक्शन बोनस बियॉन्ड 100% परफॉर्मेंस लेवल इज इक्वल टू व्हाट, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड बियॉन्ड 100%, माने बियॉन्ड 100% उसको कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है, इनटू वेज रेट पर आर 50 रुपीज जो है अपना वेज रेट पर आर, इनटू एक्चुअल आर ऑफ मेजर्ड वर्क प्रोडक्टिव आर जो है वो, इसको बहुत लोग कंफ्यूज करके बोलेंगे एक्चुअल आर या आर वर्क्ड, आर अटेंडेड वो नहीं होगा, अगर आपको बोनस, जब हम बोनस प्रोडक्टिविटी हम किस पे कंप्यूट करते हैं, एक्चुअल टाइम 5 आवर्स पे, राइट, 5 आवर्स पे हमने किया, 8 पर नहीं, तो जब हम बोनस कैलकुलेट भी करेंगे ना वो भी 5 पर ही होगा, 8 पर नहीं होगा, इसलिए मैंने बोल के रखा आपको सिंप्लिसिटी के लिए, हमेशा याद रखना आइडल टाइम के बाद ही जो आपको कैलकुलेशन करना है आप वो करोगे, आइडल टाइम के ऊपर कभी कुछ नहीं करना, करेक्ट। तो देखो यहां पे फिर क्या हुआ, 100 133 माइनस 100% यानी 33.33% करेंगे इनटू व्हाट, वेज रेट पर आर इज 50 इनटू आवर्स वर्क कितना, 8 नहीं 5, तो 50 इनटू 5 इज 250, इसका कितना 33.33% माने 83.3 रुपीज, तो टोटल उसको कितना मिलना चाहिए, लास्ट पॉइंट क्या पूछा था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स, क्या होगा उसका टोटल अर्निंग, जो उसको गारंटीड मिला प्लस जो उसको बोनस मिला, तो गारंटीड था 400 रुपए, 400 आप लिख दो, तो यही फॉर्मूला लिख दिया, गारंटीड वेज प्लस प्रोडक्शन बोनस, 400 प्लस 83.33 483.33, करेक्ट है बात, बिल्कुल एकदम। चलो फिर आ गया एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, सिंपल सा है, एलिमेंट्स पहले लिख दिया, 3 एलिमेंट्स हमने पढ़ रखा है, मिशन बनाने में हेल्प करता है, मिशन क्या है, एक लॉन्ग टर्म पाथ, वेर आर वी गोइंग, ये सब पढ़ा हुआ है एसएम में अच्छे से, उसके बाद कम्युनिकेट करना है आपको, फिर पर्पस पूछा, पर्पस क्या होगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफाई करता है डायरेक्शन को चेंज करने का जरूरत है या नहीं, राइट, उसके बाद एक पैशनेट इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और फिर क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करता है, तो बस ये वन लाइन में आपको सब लिखते चलना है, करेक्ट, सब टाइप करते चलना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां पे इन लोगों ने दिया है ईओक्यू का, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये ईओक्यू का इन लोगों ने यहां दिया है,
द मंथली रिक्वायरमेंट, मंथली रिक्वायरमेंट, मंथली रिक्वायरमेंट बोलते ही चमका, एनुअल डिमांड में इसको कन्वर्ट करना है. मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ कंपनी इज 3200 यूनिट्स. फट से इसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा 3200 इंटू 12 विच इज 38,400 यूनिट्स, करेक्ट. नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट आपको यहां पे दे दिया 25% ऑफ परचेज प्राइस पर यूनिट प्लस इन एडिशन टू 2.5 पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट 25% परचेज प्राइस का प्लस 2.5 पर यूनिट, ये टोटल होगा. ऑर्डरिंग कॉस्ट रेट आपको दे दिया 28 रुपीज पर ऑर्डर, परचेज प्राइस बोला 24 रुपया पर यूनिट, 24 रुपीज पर यूनिट. कूद के कैरिंग कॉस्ट निकालने मत जाना, क्योंकि कुछ डिस्काउंट वगैरह भी तो हो सकता है. देखो, however, there is a discount of 6% available on the purchase price if it orders 3200 units or more, but less than 6200 units per month, and a discount of 15% on the purchase price if orders are 6200 units or more per month. Clear? तो यहां पे क्या बोला, अगर आप 3200 यूनिट से ज्यादा करें पर 6200 से कम, तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा. 6200 यूनिट्स पर मंथ से ज्यादा कर रहे हैं तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और 3200 के नीचे अगर कर रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. हर चीज में डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा, करेक्ट. तो क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ईओक्यू एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ईओक्यू एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. अब ये सब में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए. देखो, आइडली यहां पे आपको एक तो चीज, देखो फॉर्मेट दे दिया तो आपको सोचना नहीं है क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनना चाहिए. आपको तीनों पॉसिबिलिटी का बना के दे ही दिया, करेक्ट. तो देख लो और समझ जाओ क्या करना है, राइट. तो ऑर्डर साइज लेस देन 3200, 32 टू 62 और 62 के ऊपर, तीनों का पॉसिबिलिटी दे दिया. उसके बाद में ये बोला, अब इसमें एक जो कैच है वो ये है, एक छोटा सा चीज यहां पे आप देखो, ऑर्डर कर रहा है, डिस्काउंट कब मिलेगा, 3200 से ज्यादा का ऑर्डर एक बार में करने का कुछ नहीं बोला है. इसने बोला है इफ इट ऑर्डर्स 3200 यूनिट्स और मोर बट लेस देन 6200 यूनिट्स पर मंथ, और आप एक महीने में 3200 से ज्यादा कर दे रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल ऑर्डर्स क्यों ना हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, करेक्ट. और सेम आप 6200 वाला में देखो, 6200 यूनिट्स और मोर पर मंथ, एक महीने में अगर आप 6200 यूनिट से ज्यादा ऑर्डर कर दिए, ये नहीं बोला कि पर ऑर्डर होना चाहिए, पर मंथ होना चाहिए. इसीलिए यहां पे तीनों में ही हम लोग ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे. मैं आपको अभी पूरा क्लियर भी हो जाएगा, तीनों ऑल्टरनेटिव में हम ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, ताकि जो पर मंथ है ना, पर मंथ जो दिया है उसको हम फैक्टर इन कर ले. ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी चेंज नहीं होगा इससे. ऑर्डर क्वांटिटी, पर ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, वो चेंज करने को नहीं बोला इसने. ये चीज आप ध्यान रखना, क्वांटिटी पर ऑर्डर इज नॉट सपोज टू बी चेंज्ड. तो वो ईओक्यू ही रहेगा, वो ईओक्यू ही रहेगा, करेक्ट. तो पहले हमने लिख लिया एनुअल डिमांड क्या है, 38,400 सब लिख लिया एनुअल डिमांड. फिर परचेज प्राइस लिख लिया, परचेज प्राइस पहले तो नो डिस्काउंट में 24 रुपया है, फिर जब 6% डिस्काउंट आया तो क्या होगा, 24 - 6% कितना आएगा, 22.56, फिर 24 - 15% आ गया 20.4, तीनों का लिख लिया हमने. अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले ईओक्यू. ईओक्यू के लिए क्या निकलता है, रूट ओवर 2A/C, ये तो आपको पता ही है, रूट ओवर 2A/C. तो ए अपने निकाल लिए सबसे पहले, दिस इज ए अपने, फिर निकाल लिए यहां पे. अब सी निकालने के लिए अपने को परचेज प्राइस चाहिए था, परचेज प्राइस निकाल लिया. ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ अपने को फिक्स दिया हुआ है 28 रुपीज, कोई चेंज नहीं है. कैरिंग कॉस्ट सी अपने को क्या दिया हुआ है, 25%, यही था ना, 25% ऑफ द परचेज प्राइस, मतलब परचेज प्राइस जैसे 24 का 25%, 6 रुपया खत्म नहीं हुआ यहां पे, प्लस 2.5 रुपीज एडिशनल दिया हुआ था, प्लस इन एडिशन टू 2.5 रुपीज, तो वो 8.5 हो गया, 6 प्लस 8.5 ये. फिर नेक्स्ट
22.56 का 25% प्लस 2.5 विच इज 8.14, उसके बाद 20.4 का 25% या 5.1 प्लस 2.5 आ जाएगा 7.6. क्लियर हुआ? 2 AOC अपने को मिल गया, EOQ आ जाएगा रूट ओवर 2 AO अपॉन C, करेक्ट? तो देख लो, 2 इंटू ए 38,400 इंटू ओ 28 अपॉन सी कितना आया अपने पास 8.5, इसका अपने कर देंगे रूट ओवर विच इज 503 यूनिट्स, करेक्ट? इसी तरीके से आप बाकी का निकाल लोगे 514 और 532 यूनिट्स। ये लाइन पे कंफ्यूज मत होना, ईओक्यू हर एक में कैसे निकल गया इस पे कंफ्यूज मत होना, ईओक्यू हर एक में ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी नहीं बोला, पर ऑर्डर का क्वांटिटी नहीं बोला, ऑर्डर साइज बोला है पर मंथ के लिए, करेक्ट? तो हम कैसे डिस्काउंट क्लेम करेंगे? आप बोलेंगे अगर लास्ट वाला अगर देखे 532 यूनिट्स ऑर्डर करके आप डिस्काउंट कैसे क्लेम करेंगे 15% का? अरे 530, वो उसने क्या बोला 6200 यूनिट्स एक महीने में, उससे ज्यादा होना चाहिए। तब 532 यूनिट्स को 14 बार टाइप अगर आप कर दोगे तो आपका 6200 से क्रॉस हो जाएगा, राइट? 12 बार भी करने से हो ही जाएगा वैसे तो, उतना बार हम ऑर्डर कर देंगे, महीना में 6200 हो गया, सिंपल, करेक्ट? तो ईओक्यू अपने निकाल लिए, और फिर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट पूछा। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कैसे आता है? परचेज प्राइस टोटल करेंगे, कैरिंग कॉस्ट टोटल करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, करेक्ट? तो परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। अब कुछ कुछ आपका वर्किंग नोट भी फिल कराया है, देखो क्या। पहले बोला फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर्मूला आपको लिखना है, खाली फॉर्मूला आपको लिखना है इधर पे, ठीक है? फॉर्मूला अप्लाइड, एनुअल डिमांड के लिए आपने क्या किया, मंथली डिमांड इंटू 12, मंथली डिमांड इंटू 12, ये सिंपल सा था। प्राइस पर यूनिट आपने क्या किया, 24 रुपया जो दिया है प्राइस माइनस कोई डिस्काउंट अगर है वो, तो परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट अगर कुछ है। कैरिंग कॉस्ट आपने क्या किया, परचेज प्राइस का 25% प्लस 2.5, प्लस 2.5, यही है यहां पे। परचेज कॉस्ट का टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा बताओ, तो परचेज प्राइस पर यूनिट इंटू एनुअल डिमांड इंटू एनुअल डिमांड 38,400, तो ये कर भी लो, 38,400 इंटू 24 किया तो आया 921,600। इसी तरीके से आपको सारा मिल जाएगा, परचेज प्राइस पर यूनिट जो ऊपर निकाला इंटू एनुअल डिमांड, करेक्ट? जैसे सेकेंड वाले का क्या होगा, 38,400 इंटू 22.568,66,304, क्लियर है? तो ये परचेज कॉस्ट निकल गया। नेक्स्ट आया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने को मालूम है 28 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 28 रुपीज। नंबर ऑफ ऑर्डर अपने को नहीं मालूम, कैसे आएगा, एनुअल डिमांड ए अपॉन ईओक्यू, ए अपॉन ईओक्यू, वही तो है नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू, यही हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर। तो पहले वाले में अगर देखे करते हैं, 38,400 इज माई एनुअल डिमांड, इसका ईओक्यू कितना है 503, ये आया नंबर ऑफ ऑर्डर 76.34 इज द नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू अगर अपने करे 28 तो आ जाएगा, 2137.575। इसी तरीके से आप बाकी दोनों का भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, टोटल में कैरिंग कॉस्ट एक यूनिट का नहीं, तो सी अपने को पता है, क्या करेंगे, क्यू बाय टू इंटू सी, करेक्ट? क्यू बाय टू इंटू सी, क्यू क्या है यहां पे, ईओ क्यू, तो ईओ क्यू अपॉन टू इंटू सी, एवरेज इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं ना, एवरेज इन्वेंट्री इंटू और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री इज वॉट, ईओ क्यू अपॉन टू इंटू सी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले वाले में देखते हैं क्या होगा, ईओ क्यू क्या है 503 बाय 2, 251.5 EOQ upon 2 into carrying cost per unit which is 8.5, तो ये आ गया 2137.75, करेक्ट? ये तीनों हमने निकाल लिया इधर, और यहाँ पे वर्किंग नोट आ गया। देखो आइडियली आपको यहाँ पे ना कैलकुलेशन भी करने का दरकार नहीं, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहना है, राइट? फिर
इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला पूछा, टोटल परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को टोटल कर दो और लिख दो, डन बात। तो आ गया अपना इधर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तीनों को ऐड कर दो और आंसर आ गया पहले पार्ट का, पहले पार्ट का आंसर डन। सेकेंड पार्ट में पूछा इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन में कौन सा ऑर्डर साइज अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनी को, कौन सा ऑर्डर साइज अडॉप्ट करना पड़ेगा कंपनी को, तो ये देखो कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। देखो ना टोटल कॉस्ट किधर कम है, टोटल कॉस्ट थर्ड वाले में कम है, तो थर्ड वाला अडॉप्ट करो, मतलब ऑर्डर 6200 यूनिट्स और मोर पर मंथ, करेक्ट, बस ये लिख दिया। कंपनी शुड अडॉप्ट एन ऑर्डरिंग पॉलिसी ऑफ 532 यूनिट्स पर ऑर्डर एज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमल, सिंपल, डन, क्लियर, आंसर खत्म। अब उसके बाद आया शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ये पूरा पूरा एसएम से है, आएगा एसएम से आएगा, और ये आप इसको लिख लो बस, ये आपको हेल्प कर सकता है अगर आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह डिफिकल्ट लगे तो आपको ये बड़ा हेल्प करेगा। इसमें प्रॉब्लम है आपको पूरा 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 टाइप करते हुए चलना पड़ेगा, करेक्ट। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में लिख लिया, ये यहां डिस्कस करें फायदा नहीं, हमने ऑलरेडी सब डिस्कस करके ही रखा है। रोल ऑफ मार्केटिंग लिख लिया, चार पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, उसके बाद एंटरप्रेन्योर स्पिरिट बढ़ाता है, और फिर एग्रीगेट डिमांड, साइज ऑफ द मार्केट, ये सबको इंक्रीज करता है। कंटिजेंसी प्लान के बारे में हमने पढ़ के रखा है, ऑल्टरनेटिव प्लान होता है जो अगर कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांस आ जाए तो ये इंप्लीमेंट होता है, सब हमने पढ़ के रखा है, बस उसको लिख दिया इधर। फिर आया मैनेजेरियल कम्युनिकेशन, दीज आर स्ट्रैटेजीज, एचआर पॉलिसी में हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजीज फॉर मोटिवेटिंग पीपल, स्ट्रैटेजीज फॉर मोटिवेटिंग पीपल, तो ये सबसे सिंपल और बेसिक तरीका है मोटिवेट करना। एग्जाम्पल दे दो, अगर आप किसी को प्रेज करते हो तो उसका मोटिवेशन बहुत आसमान फाड़ हो जाता है। और लास्ट में आया मार्केटिंग प्लान और स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्लान को पहले डिफाइन कर दो, रिटन डॉक्यूमेंट है जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को स्पेसिफाई करता है, कंट्रोलिंग मार्केटिंग वेरिएबल्स, फोर पीस जो हमने देखा था वो सब। उसके बाद में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या आया, यही टारगेट मार्केट और रिलेटेड मार्केटिंग मिक्स, ये सब चीज से रिलेट करता है। तो बस कुछ नहीं, थ्योरी लिखना है और कुछ नहीं इसमें। अब हम आते हैं सेक्शन डी में, सेक्शन डी में क्या बोला आपको, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों करना है पर क्वेश्चन, तो आप 10 मार्क्स ही चाह बोलेंगे और ये बहुत ये क्या है, ऐसा रिएक्शन आएगा, पर यकीन मानो एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये सेक्शन सी से इजियर है, ये सेक्शन सी से इजियर होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन है, एक सब ये जो सब देखो ना, ये जो ईओक्यू वाला क्वेश्चन है ये भी तो हमने 10 मार्क का ही किया ना, ये भी तो 10 मार्क का ही था, यही चीज है सेक्शन डी में, पर वही चीज आप सपोज करो पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर दिया, पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब वाले जिसमें बहुत सारा स्टेप्स होता है आपको, वो आपको सेक्शन डी में पूछेगा, करेक्ट, वो आपको सेक्शन डी में पूछेगा। तो सेक्शन डी में आपको बोला है ऑल क्वेश्चन आंसर करना है, इसलिए ये सब टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, दो क्वेश्चन है 10-10 मार्क का ईच। ये ऐसे तो देखो बोलने के लिए इसको हम बोलते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, पर वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, ये एकदम फर्जी या जाली केस स्टडी है। अगर आप देखो ये जो है ना, इसको इंस्टीट्यूट ने आपके साथ गेम खेला, ये देखकर इतना बड़ा बड़ा दिया आपको डराने के लिए, आप इंस्टीट्यूट के साथ वापस गेम खेलिए, कैसे पूरा ऐसा काट दो, पूरा ऐसा काट दो और बोलो हमको नहीं पढ़ना है, और सच में नहीं पढ़ना है। देखो क्या ये आपको लास्ट का टेबल देख के समझ आ गया असाइनमेंट है, चलो नहीं आया मान लेते हैं, लास्ट का क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पार्ट ए से पहले क्वेश्चन है, देखो ट्रबल फॉर थ्री फ्रेंड्स वाज फार फ्रॉम ओवर, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू असिस्ट द थ्री फ्रेंड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग जॉब्स टू ईच वन ऑफ देम, अभी भी नहीं आया, चलो लास्ट एक पारा पढ़ लो सब समझ आ जाएगा। देखो एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन इट स्टेट्स द टाइम टेकन बाय ईच वर्कर फॉर कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट जॉब्स, पी एंड अदर फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड्स है, पी क्यू आर ये फ्रेंड्स है, ठीक है, दे आर कंफ्यूज कि कौन सा अप्रोच होना चाहिए कि कम से कम टाइम लगे, और देखो दे दिया यहां पे अ स्ट्रेटेजिस्ट इज ऑप्टेड टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन यूजिंग हंगेरियन मेथड, यही तो है असाइनमेंट, बस आ गया, तो केस स्टडी का कोई काम नहीं था, हम पढ़ेंगे भी नहीं, आप देख लेना। उसके बाद अब क्या करना है आपको, बस असाइन करना है, शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम में लेकर आना है। फिर क्या हुआ, ये वही बोला कि जो स्ट्रेटेजिस्ट था उसको कोविड 19 वायरस पकड़ लिया, उसको कोविड हो गया, और वो क्या किया, पहला स्टेप करके छोड़ दिया,
डमी कॉलम पहला स्टेप हम क्या करते हैं, ये मिनिमाइजेशन वाला ही प्रॉब्लम है, मिनिमाइज करना है अपने को, तो अपने डमी इंसर्ट करते हैं, अपने डमी इंसर्ट करते हैं। डमी कहां इंसर्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे पहले, डमी इंसर्ट तब होगा, तो बैलेंस करो, बैलेंस करेंगे, डमी इधर में इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम, तो वो इसने ऑलरेडी कर दिया है, वो इसने ऑलरेडी कर दिया है, पहला स्टेप बैलेंसिंग इसने कर दिया, फिर बोला कोविड 19 वायरस हो गया, कोई बात नहीं अपने कर देते हैं खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स आफ्टर रो ऑपरेशन अंडर स्टेप वन, बोल दिया रो ऑपरेशन के बाद का मैट्रिक्स बनाओ, एंड मैट्रिक्स आफ्टर कॉलम ऑपरेशन अंडर स्टेप टू। तो सिर्फ रो और कॉलम करने का आपको तीन नंबर दिया है, सोच रहे हो, तो ये मैट्रिक्स आपको दे दिया इधर पे, ये मैट्रिक्स दे दिया डमी डाल के, कॉलम में डमी डालेगा बैलेंस हो जाएगा, 4x4 का मैट्रिक्स बन गया। यहां पे ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वरना स्टेप टू होता मिनिमाइज करने का, मिनिमाइजेशन है ऑलरेडी, तो अपने फिर क्या करेंगे, स्टेप वन रो ऑपरेशन, ये सब दिया हुआ रहेगा आपको, आपको सिर्फ ये नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये जो है ये नहीं दिया हुआ रहेगा, वो फिल करना है, मैट्रिक्स का सब बनाया हुआ रहेगा, आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है, करेक्ट। तो देखो पहला स्टेप रो ऑपरेशन, आपको ट्रिक मालूम होगा, ये हमने डिस्कस किया, अगर डमी कॉलम में है तो रो कभी चेंज नहीं होगा, और डमी अगर रो में है तो कॉलम चेंज नहीं होगा, तो रो चेंज ही नहीं होना इधर, तो रो ऑपरेशन क्या है, चिपका दो पहला स्टेप को, क्योंकि रो ऑपरेशन हर जगह रो में तो जीरो यही है, हर जगह जीरो तो यही है, क्या ही चेंज कर लोगे, करेक्ट। तो ये सेम इधर आ जाएगा, फिर आया स्टेप टू कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, कॉलम कॉलम, अब रो ऑपरेशन से तो काम बना नहीं, अब अपने को करना होगा कॉलम, वो कॉलम जिसमें जीरो नहीं है उस पर फोकस करो, जैसे इस पे ही सारा जीरो है तो ये एज इट इज ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होना, जो भी कॉलम्स में जीरो है वो वैसा का वैसा आप कॉपी कर लो, फिर जिसमें जीरो नहीं है, जैसे इस इन तीनों में जीरो नहीं है, ये तीनों को हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, मिनिमम हर कॉलम पे फोकस करो, पहले इस कॉलम पे फोकस किया, मिनिमम वैल्यू कौन सा, मिनिमम वैल्यू कौन सा, नाइन नाइन, तो इसको बना दिया जीरो, नाइन को बनाया जीरो, और बाकी में से नाइन सब्ट्रैक्ट करो, बाकी में से नाइन सब्ट्रैक्ट करते हुए चलो, जैसे ये क्या होगा 13-9 यानी 4, नेक्स्ट होगा 35-9 यानी 26, फिर 18-9 यानी 9, क्लियर है बात, एकदम क्लियर है बात बिल्कुल। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में क्या है, मिनिमम कॉलम, अगर हम ये वाला कॉलम देख रहे हैं अब क्या है, मिनिमम मिनिमम है 20, मिनिमम है 20, तो 20 को बना दो जीरो, 20 को बनाया हमने जीरो, और बाकी सब में से 20 सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ये क्या होगा 26-20 यानी 6, फिर 27-20 यानी 7, और लास्ट में 30-20 यानी 10, डन कॉलम नंबर टू। कॉलम नंबर थ्री में मिनिमम क्या है, 6 को बना दो जीरो, ये बन जाएगा जीरो, मिनिमम बन गया जीरो, अब क्या बचा बाकी, तो 15-6 करो क्या आएगा 9, 15-6 वापस से 9, 20-6 विल बी 14, हो गया स्टेप वन और टू, तीन नंबर आपके हो गए, डन है बात। नेक्स्ट आगे चलो, आगे में क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द असाइनमेंट टेबल, कंस्ट्रक्ट द असाइनमेंट टेबल अंडर स्टेप थ्री, बोला नहीं स्टेप थ्री क्या है, पर आपको मालूम है स्टेप थ्री क्या है, जब रो हो गया कॉलम आ गया, पहले अपने क्या करेंगे, यहां पे आपको एक थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा, पहले अपने क्या करेंगे, एलोकेट करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जैसा इधर एक लाइन ड्रॉ हुआ जीरो, एक लाइन इधर ड्रॉ होगा, एक इधर ड्रॉ होगा, एक इधर ड्रॉ होगा, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमने बनाया कितना आया, फोर आया। इज इट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यस इट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज आल्सो फोर, तो फोर और फोर जब इक्वल है यानी सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, तो अपने को क्या करना है, अब असाइन करेंगे यानी जीरोस को मार्क करना है, तो वही स्टेप यहां पे पूछा है। देखो क्या बोला, असाइनमेंट आपको इधर करना है, स्टेप थ्री असाइनमेंट लिख के दे दिया, इससे आपको हिंट मिल गया, अब तो असाइन करना है, तब स्टेप्स कभी भूलेंगे नहीं, ये आपका प्लस पॉइंट। नेक्स्ट असाइन आप कैसे करेंगे, एग्जाम में तो आप जीरो जीरो मार्क कर नहीं सकते, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ऊपर का मैट्रिक्स आप कॉपी कर लो, जो आप फिल करोगे वो कॉपी कर लो, तो आपने क्या किया 0, 4, 26, 9, 6, 7, 0, 10, ये एक बार ए ए जो लिखा है ना वो सब छोड़ दो, तो पहले आपने ये कॉपी कर लिया, करेक्ट, 0, 0, 0, 0, ए और एक्स दो चीजें उसको एक बार छोड़ दो, करेक्ट, फिर कॉपी कर लिया, अब अपने को क्या करना है, आइडियली हम क्या करते हैं, जीरोस को मार्क करते हैं, जीरोस को
मार्क करते हैं। तो कैसे मार्क करते हैं, अपने टॉप लेफ्ट से शुरू करना है, पहले अपने मार्क करेंगे, लेट से इसको मार्क करेंगे, तो ये कॉलम हो गया कट, ये कॉलम हो गया कट, ये रो हो गया कट, क्लियर। फिर अपने मार्क करते हैं, इसको मार्क करेंगे नेक्स्ट, तो ये कॉलम भी कट और ये रो भी कट। फिर अपने किसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे, तो ये रो कट, ये कॉलम कट, और लास्ट में डमी जो है उसमें से हम ये मार्क करेंगे, क्लियर। तो वो भी खत्म। तो चार अपने मार्क कर चुके हैं, ये आप कर लोगे, ये आपने किया। अब हम उधर गोला तो नहीं मार सकते, तो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला, इंस्टीट्यूट ने बोला जहां पे आप असाइन करोगे जो भी जीरो, कोई भी जीरो को ब्लैंक नहीं छोड़ना, जहां पे आपको असाइन करना है, जो जो जीरो में असाइन करना है उसके पहले ए लिख दो, टाइप फॉर असाइनमेंट, टाइप द लेटर ए बिसाइड द फिगर, एंड फॉर स्ट्राइकिंग आउट या नॉट टू असाइन, टाइप द लेटर एक्स, हमको यहां असाइन नहीं करना, करेक्ट। तो सारे जीरो इस तरीके से कवर हो जाएंगे, इधर ए आया, इधर ए आया, इधर ए आया, इधर ए आया, चारों में असाइन करना है तो ए ए ए आ गया, यहां पे असाइन नहीं करना हमको तो एक्स 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 आ गया, करेक्ट। आप पहले लिखो, जीरो के पहले लिखो, इनफैक्ट पहले ही लिखो क्योंकि यहां पे एग्जांपल में दे दिया है। तो बस आपको करना क्या है ना, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया है ना, बस उसको एक बार पढ़ना है, आपको पूरा लिख देगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। स्टेप टू भी डन, स्टेप टू डन मतलब असाइनमेंट, स्टेप थ्री डन। लास्ट हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बनाते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल बना लो, चार तीन जॉब्स है, तीन लोगों को दिया है, जॉब वन किसको गया, पी को किया, लिख दिया पी, जॉब टू किसको गया, आर को गया, लिख दिया आर, जॉब थ्री किसको गया, क्यू को गया, और जॉब फोर तो आएगा नहीं क्योंकि वो डमी है, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो इससे आपको एक और हिंट, अच्छा ठीक है, जॉब फोर भी लिख दिया क्योंकि नेचुरल बात है, अगर वो वन टू थ्री लिख देगा तो आपको पता चल जाएगा ना डमी तो फोर में ही एलोकेट करना है, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने फोर भी लिख दिया और वो लिख दिया नॉट असाइंड। आप इसमें लिख सकते हो नॉट असाइंड या आप डमी लिख दो, असाइन टू डमी, और इसका यहां कुछ नहीं आएगा। तो जब वन को पी असाइन हुआ तो क्या मिलेगा, थर्टीन, ये थर्टीन आएगा, सॉरी ये नाइन आएगा, टू को आर हुआ था यानी सिक्स आएगा, और थ्री को क्यू हुआ था यानी ट्वेंटी, सो नाइन सिक्स ट्वेंटी आएगा, करेक्ट, नाइन सिक्स ट्वेंटी लिख दिया, कितना आया टोटल, थर्टी फाइव, थर्टी फाइव टोटल टाइम कितना लगना चाहिए उसको, थर्टी फाइव, क्लियर है बात बिल्कुल, चलो डन। चौथा पार्ट क्या बोला, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन जॉब फोर, जॉब फोर पे आपका क्या ओपिनियन है, आ जाओ इधर, जॉब फोर, यार जॉब फोर तो बेचारा असाइन ही नहीं हुआ पड़ा है, जॉब फोर तो असाइन ही नहीं हुआ, अब जब असाइन ही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जाहिर सी बात है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, जाहिर सी बात है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ये अपने पास तीन वर्कर्स है तो एट अ टाइम तीन लोग को हम असाइन कर सकते हैं, तो बेचारा जॉब फोर बच गया, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, अब जब टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है तो कोई कब करेगा, जब वो अपना पहले का काम खत्म कर लेगा, पहले का काम जब खत्म कर लेगा फिर वो जॉब फोर कर पाएगा। जैसे जैसे मान लो अगर पी करे जॉब फोर तो वो नौ हफ्ते बाद कर पाएगा जॉब फोर, करेक्ट, तो नौ हफ्ते बाद पी को कितना टाइम लगेगा जॉब फोर करने में, ओरिजिनल मैट्रिक्स में देख लो 18, तो उसको जो जॉब फोर कब खत्म होगा, 9 + 18 विच इज 27 पे जाके जॉब फोर खत्म होगा, करेक्ट, जो होना चाहिए था 18 में, अगर हम पी का बात करें 18 में होना चाहिए था, अगर हम क्यू का बात करें, क्यू को 30 टाइम लगेगा करने में, तो क्यू को यहां पे 20 लग रहा है प्लस जॉब फोर फिर 30 लगेगा यानी 50, तो पहले क्यू जॉब थ्री खत्म करेगा, फिर अगर वो जॉब फोर लेता है उसको लगेगा 50 वीक्स के एंड में जॉब फोर खत्म होगा। नेक्स्ट आर को कितना टाइम लगेगा, आर को पहले टाइम लग रहा है जॉब फोर करने में, आर को लगेगा 20, अब आर को जब 20 लगेगा तो एग्जिस्टिंग में उसको लग रहा है 6, और फिर वो अपना जॉब फोर चालू करेगा, खत्म करने के बाद चालू करेगा तो उसको लगेगा 26, मतलब सबसे जल्दी 26 वीक्स के पहले जॉब फोर खत्म नहीं हो सकता, जॉब फोर खत्म नहीं हो सकता। तो बस आपको यही लिखना है, क्या देर आर फोर जॉब देन थ्री वर्कर्स, तो एट अ टाइम तीन ही हम असाइन कर सकते हैं, करेक्ट, और आप तीनों लिख देंगे तो वही है, जॉब फोर में बी कंसिडर्ड इफ द क्लाइंट हैज नो अर्जेंसी एंड इज विलिंग टू वेट फॉर एटलीस्ट 6 मोर वीक्स बिफोर एनीवन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द जॉब। 6 मोर वीक्स क्यों, क्योंकि सबसे पहले काम खत्म कौन करेगा अपना, एग्जिस्टिंग आर,
आर ही तो खत्म करेगा, तो आर अपना काम खत्म करेगा फिर जॉब फोर को चालू करेगा, करेक्ट। तो जब वो सिक्स वीक्स के बाद ही चालू कर पाएगा और वो तीनों पॉसिबिलिटीज जो 26, 27, 50 वीक्स हमने देख लिया, तो इसमें बेस्ट क्या है 26 वीक्स, मतलब आर जो करेगा वो। डन है, ये असाइनमेंट हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर से गेम खेला तो फिर से आप भी खेल लो, ये काटो, कटा, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेटवर्क देख के आपको समझ में आ गया है तो सीपीएम का क्वेश्चन है, नेटवर्क एनालिसिस क्या करना है। बिफोर द टीम मीटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सम पेपर्स ऑन एक्टिविटी एक्टिविटी ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ, ये सब ज्ञान है। एक्चुअल क्वेश्चन कहां है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल आइडेंटिफाइंग वेरियस एक्टिविटीज, आपको बस वेरियस एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं। यहां पे एक्टिविटी लिख दिया, एक एक करके आइडेंटिफाई करते चलो। देखो पहला एक्टिविटी क्या है, वन से टू, वन से टू लिख दिया, वन से टू। फिर क्या है, वन से और है, हाँ वन से थ्री, तो लिख दिया वन से थ्री। तो वन से टू डन, वन से थ्री डन। फिर क्या है, टू से, टू से फोर और टू से फाइव भी है, करेक्ट। तो टू से फोर, टू से फाइव, ये दोनों हम लोग लिख देते हैं, टू फोर टू फाइव लिख दिया। उसके बाद और क्या है, थ्री से फोर, थ्री से फोर लिख दो, फिर आया थ्री टू फोर। उसके बाद क्या है, फोर सिक्स है, एट सिक्स है, करेक्ट। तो फोर सिक्स और एट सिक्स, सॉरी फोर सिक्स और फाइव सिक्स और फोर सिक्स, एट सिक्स क्यों बोला, तो फोर सिक्स और फाइव सिक्स लिख दिया। और फिर नेक्स्ट आया एक सिक्स और सेवन, नेक्स्ट आया अपना सिक्स और सेवन, डन। सारे एक्टिविटीज अपने लिख चुके हैं और इसका अपने को मिल चुका है दो नंबर, डन। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द रिलेशनशिप अमंग वेरियस एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाइंग द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ऊपर एक्टिविटी डिसाइड किया, इधर प्रीसीडिंग रिलेशनशिप डिसाइड करना है, बस। सारा एक्टिविटी ऊपर से कॉपी कर लो, जो लिखा वन टू वन थ्री ये सब आप ऊपर से कॉपी कर लो सारा का सारा, करेक्ट। अब उसके बाद प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या है ये लिखना है, देख लेते हैं आओ। तो वन टू का कोई प्रीसीडिंग है, नहीं है। वन थ्री का कोई प्रीसीडिंग है, नहीं है। तो ये दोनों का कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, आपसे एक्टिविटी पूछा है, करेक्ट। एक्टिविटी और इवेंट में कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछा है प्रीसीडिंग एक्टिविटी, करेक्ट। तो ये निल होगा, ये निल होगा, करेक्ट। फिर बोला टू टू फोर, अब टू टू फोर, टू टू फोर ये रहा, टू टू फोर का प्रीसीडिंग क्या है, वन वन टू प्रीसीडिंग हो गया, तो अपने प्रीसीडिंग में वन टू लिख देंगे। फिर आया टू फाइव, टू फाइव का प्रीसीडिंग क्या है, टू फाइव का प्रीसीडिंग भी तो वन टू ही है, टू फाइव ये रहा, प्रीसीडिंग इज वन टू अगेन, तो अपने लिख देंगे वन टू। फिर थ्री फोर, थ्री फोर का प्रीसीडिंग क्या है, ये रहा थ्री फोर, थ्री फोर ये रहा, इसका प्रीसीडिंग है वन थ्री, तो इसका प्रीसीडिंग लिख दो वन थ्री। उसके बाद फोर सिक्स, फोर सिक्स आपको लिखा इधर में, इसका प्रीसीडिंग क्या है, टू फोर और थ्री फोर, दो प्रीसीडिंग है, करेक्ट। तो यहां पे आ गया टू फोर एंड थ्री फोर, टू फोर कॉमा थ्री फोर। नेक्स्ट आया फाइव सिक्स, फाइव सिक्स का क्या प्रीसीडिंग है, ये हो गया अपने पास फाइव सिक्स, इसका प्रीसीडिंग बस एक टू फाइव, क्लियर, टू फाइव लिख दिया। नेक्स्ट सिक्स सेवन का कौन है प्रीसीडिंग, सिक्स सेवन हो गया लास्ट एक्टिविटी, इसके है दो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब इनकमिंग एरो देखो ना, दो प्रीसीडिंग, एक ये और एक ये, माने फोर सिक्स और फाइव सिक्स, फोर सिक्स कॉमा फाइव सिक्स, क्लियर है। सारा प्रीसीडिंग एक्टिविटीज भी लिख लिया, बात खत्म। नेक्स्ट क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी, क्या क्या पूछ रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी आपको बताना है, कुछ नहीं, सारा एक्टिविटीज आप लिख लो, कॉपी मार लो सारे एक्टिविटीज को ऊपर के टेबल से, लिख लेंगे। उसके बाद वन टू का क्या है ड्यूरेशन, आपको मालूम है ये सिक्स, तो वन टू का ड्यूरेशन में सिक्स लिख दिया। टू वन थ्री का क्या है ड्यूरेशन, वन थ्री का क्या है ड्यूरेशन, फोर लिख दिया, फोर करेक्ट, फोर। यहां ऑलरेडी बोल दिया डेज, तो सिक्स डेज, फोर डेज ये आपको नहीं लिखना, बस नंबर लिख दो। टू फोर का क्या है, टू फोर का क्या है, सॉरी ये तो टू फाइव है, टू फोर का है फाइव, तो फाइव लिख दिया। इस तरीके से आप सारा ड्यूरेशन फिलअप कर सकते हो, बस देख के ही तो लिखना है, कुछ इसमें डिस्कस नहीं करने का है। लास्ट
यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी बड़ा ही सिंपल सा, आप देख रहे इतना सिंपल सा चीज के लिए 10 नंबर दे दिया। तो देखो अब आपको बोला है क्रिटिकल पाथ निकालना है, एक बार सबको डिलीट कर देता हूं फिर। अब आपको बोला क्रिटिकल पाथ निकालना है, क्रिटिकल पाथ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके पाथ को वैल्यूएट करेंगे। तो पहला लिया ये वाला पाथ, टॉप से बॉटम हमने यही सीखा है, पहला टॉप मोस्ट पाथ को ले लो, ऊपर वाले पाथ को ले लो, ले लिया। तो इसका ये क्या है 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7, इन लोगों ने ये पाथ 2 में लिखा है, अपने इसको पाथ 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 5 6 7, इसका ड्यूरेशन क्या होगा 6 3 9 4 13 और 3 16, 16 डेज आ गया। नेक्स्ट फिर आएगा अपना पाथ 2, पाथ 2 क्या आएगा 1 2 5 8 7 sorry 1 2 4 6 7, ये हो गया पाथ 2 जो हम लोग लिखेंगे, ये लोग ने पाथ 1 लिखा है 1 2 4 6 7, इसका ड्यूरेशन लिख लो 6 5 8 19 और 3 22, क्लियर हुआ बात। अब आएगा बात लास्ट वाला, अब हम बात करेंगे लास्ट वाला, क्या है लास्ट वाला पार्ट 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7, तो इसको पाथ 3 लिख दो 1 3 4 6 7। अब इसको देखते हैं 4 6 10 8 18 और 3 21, क्या है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पाथ, ये वाला लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ही तो होगा ना हमारा क्रिटिकल पाथ। तो बस लिख दिया ऊपर में क्रिटिकल पाथ क्या है 1 2 4 6 7, सिर्फ पाथ लिखना है, ड्यूरेशन कितना है 22 डेज, और वर्किंग नोट्स कंप्यूटेशन फॉर पॉसिबल पाथ सब आपको हिंट देते हुए चलेगा, आपको बस उसको फिलअप करना है। सो ये था अपना डिस्कशन एज ऑफ नाउ, अपने पास यही दिया इंस्टीट्यूट ने, इनकेस कुछ चेंज आता है अपने उसको अपडेट कर देंगे। सो सेक्शन डी कंपल्सरी है, एक प्रॉब्लम ये आपको छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते चैप्टर, क्योंकि कौन सा सेक्शन डी में आए 10 मार्क्स चला जाएगा, तो आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, आपको करना तो पड़ेगा। भले ही आप वो चैप्टर अगर टाइम ना मिले पूरा मत करो, हर एक सम मत करो, पर आपको चैप्टर तो करना पड़ेगा, 10 मार्क कंपल्सरी के 2 क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते, और बड़े सिंपल वाले, आप देख रहे हो ये माइंड गेम्स खेल रहा था, केस स्टडी दे दिया, माइंड गेम्स खेल। एक चैलेंज और जो इस पेपर में फेस होगा वो ए और बी को मिला के 50 मिनट्स जो एज ऑफ नाउ है वो एक चैलेंज है, तो एक गुड पार्ट भी तो है, सी और डी में आपको 2 आवर्स 10 मिनट्स मिलेगा, क्या अपडेट आता है इस पे देखते हैं, पर एज ऑफ नाउ अपने यही मानेंगे और इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है इसमें एक और चैलेंज, आपको पेपर टाइप करना पड़ेगा, आपको पेपर टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए एक सजेशन ये है, हम लोग फोन पे तो टाइप करने का हम लोग को हैबिट रहता है, तो ये मत समझना कि हम फोन पे टाइप करना जानते हैं तो लैपटॉप पे भी हम टाइप कर पाएंगे, वो अलग होता है। तो अगर किसी को लैपटॉप पे टाइप करने का हैबिट नहीं है, इनफैक्ट लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी हो उस पे टाइप करो, उस पे थोड़ा सा टाइप करो, रोज का आधा घंटा कुछ नहीं यार, कोई आर्टिकल ले लो इंटरनेट से, एक पेज प्रिंट या कुछ नहीं, आप ओएमएसएम के बुक को खोल लो, ओएमएसएम के बुक को खोल लो और 5 पेज रोज का टाइप करने बैठ जाओ, क्या होगा, जस्ट गिव हाफ एन आवर फॉर टाइपिंग, तो इससे क्या होगा आपको कीबोर्ड का आइडिया लग जाएगा दिमाग में और आप काफी अच्छा टाइपिंग पे आपका हाथ बैठ जाएगा, तो उसका भी अपने काउंटर कर लेंगे। करेक्ट, तो इस तरीके से देखते हैं और क्या अमेंडमेंट्स आता है, एक एक करके हम सब उसको कवर कर लेंगे, जो जो भी अगर इंस्टीट्यूट चेंजेस लाता है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था मैं अगस्त में थ्योरी अपलोड करूंगा, सो एनी टाइम सून मैं सारी क्लासेस ऑफ थ्योरी अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे हम सब डिस्कस कर लेंगे, आपका ओएमएसएम का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। डन, बाय बाय।